गुड मॉर्निंग बच्चों गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी कैसे सभी अपना इसको रखू कहा आराम से इसको ना बस इधर कर दो आप बस यहीं पे हाँ जी इतना ही इतना ही इतना ही बस इतना ही, ही रहने दो ताकि लाइट आए बस हाँ जी बच्चों गुड मॉर्निंग कैसे आप सभी क्या हाल चल आप सबके जय श्री राम विघ्नेश मैं भी ठीक हूँ लिपू आप बताओ इतना प्यारा नाम आपको किसने रखा है हाँ जी बच्चों गुड मॉर्निंग सभी बच्चे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को कैसे आप सभी आप सभी कैसे हैं जय जिनेन्द्र प्रीत आप सभी कैसे हैं राधे राधे नीलेश शर्मा जी आप सभी कैसे हैं विघ्नेश आप डेली क्लास लो प्लीज नहीं विग्नेश डेली क्लास नहीं लूंगा मुझे जो चैप्टर्स आपको मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं इसके साथ साथ आपके मैराथन पे भी काम कर रहा हूं बदमाश और सिर्फ आपके मैराथन पे नहीं सी एम इंटर ग्रुप टू वाले जो बच्चे हैं उनके भी मैराथन पे काम कर रहा हूँ सी जो फाइनल वाले बच्चे हैं उनके मैराथन पे भी काम कर रहा हूँ तो उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है और ये ये जो सोचते हो ये जो नोट्स है ये दो मिनट में बन जाता है ऐसा नहीं है बदमाश इसको भी बनाने के लिए हमें बहुत समय लगाने पड़ते हैं तो अगर आप सभी रेडी हैं तो कहें मैं क्लास शुरू करूं आज पिछली क्लास में मैंने जोश में आपको कह दिया था कि दो चैप्टर का मैं एक साथ रिवीजन कराऊंगा बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया था तो एक चैप्टर हमने पिछली क्लास में ख़त्म किया था ज्वाइंट वेंचर और आज हम शुरू करेंगे आपका सेकंड ये जो हमारा है एक विग्नेश जून तक कंप्लीट हो जाएगा हाँ बदमाश अभी एक वीक के अंदर में ही आप लोग का जो मैराथन है वो भी आएंगे तो आप क्यों परेशान हो रहे हो काहे की परेशानी चलिए शुरू करते हैं हम लोग ये सभी बच्चे लाइक कर दे वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दे और मैं कल इस वीडियो को चेक करूंगा कल तक इस वीडियो में मुझे वन थाउजेंड लाइक्स चाहिए एक हजार चलो मैं शुरू करता हूं तो पहले तो सारे बच्चे वीडियो को लाइक करें और उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते हैं और एक हजार लाइक का टारगेट मैंने रखा हुआ इसका आनंद देव शर्मा गुड कृष्ण ज्ञान सरोवर क्लास ट्वेल्व का वीडियो कब तक आएगा क्लास ट्वेल्व बच्चे सीओसी कॉमर्स स्कूल चैनल पे आप जाके वहां पर देखिए वहां बात करेंगे अभी मैं शुरू करता हूँ आपका आइए अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चे बिल ऑफ एक्सचेंज पहले आप सुन लीजिए इस पूरे बिल ऑफ एक्सचेंज में पांच में आपसे एम सी क्यू पूछूंगा पांच एक दो तीन चार पांच पूरे सेशन के अंदर में और जब मेरा सेशन एंड होगा जो बच्चा उन पांचों का जवाब मुझे दे देगा पांचों एमसीक्यू का जिस बच्चे ने जवाब दे दिया आप बस सेशन के एंड में कमेंट बॉक्स में अपना नाम अपना स्टेट बस अपना नाम और स्टेट लिख देना और सिटी का भी नाम भी मैं आपके पास आऊंगा बच्चे आपके घर पे आऊंगा और बहुत सारी चीजें आपको देके जाऊंगा बहुत सारी चीजें ठीक है ना तो आइए मैं अब शुरू करता हूं पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि हम लोग क्या करने वाले हैं मैंने एक तो लिखा आपको यहाँ पे पांच एम इस पूरे सेशन में फाइव एम मैं आपको दूंगा और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि आप में से जितने सारे बच्चे जो बच्चे अभी मेरे साथ देख रहे हैं लाइव चाहे जो बच्चे बाद में देखेंगे मैं सबको बता दूं कि पांच में से, से मैक्सिमम जो आंसर आपका सही होने वाला है ना वो आप में से कुछ बच्चे टू द मैक्सिमम मैं जानता हूं कि तीन आंसर तो सही दे देंगे तीन आंसर लेकिन पांच में पांचों का आंसर देना वो आपके वर्ष की बात नहीं है तो आप प्लीज हाँ जी करो वो भी खिलाऊंगा चॉकलेट लास्ट क्लास वाली में लेकिन ये जो चीज बता रहा हूं प्रॉमिस कर रहा हूं ये पांच एमसीक्यू का जो बच्चा जवाब दे दिया मैं आपको जितना जानता हूं आप तीन ही जवाब देने वाले हैं बट अगर पांच दे दिया तो फिर समझो क्या से क्या होने वाला है आपका आप समझो कि इस चैप्टर में मास्टर्ड हो ठीक है पहले बताओ मैं रिविजन कैसे कराने वाला हूँ ये नोट्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया है आप उसको डाउनलोड कर लेंगे एग्जाम के टाइम पे इस नोट से ही आप रिवीजन करेंगे और इस नोट से पूरा रिवीजन करने के बाद जो आपने प्रॉपर क्लास में अगर मेरे आप पेड स्टूडेंट्स है तो प्रॉपर क्लास में जितने सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए मेरे बच्चे बस पेज पलट लेना है आप बिलीव करो आप बहुत ज्यादा स्ट्रोंग फील करोगे और आपसे ज्यादा कोई अच्छा हो ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आपने ऐसा कर लिया रिविजन तो तो मैं यहाँ पे आपका ये सारी बातें ये जितनी सारी बातें हैं वो सभी सभी बातें आपके लिए एग्जाम में वन मार्क एम थ्योरी इन सब के लिए रिलीवेंट है ये सारी बातें हम सीखेंगे प्रोमिसरी नोट क्या है बिल बिल्स एक्सचेंज क्या है पार्टीज क्या होते हैं प्रोमिस्री नोट्स में बिल बिल्स एक्सचेंज में क्या डिफरेंसेज है ट्रेड बिल डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या निकालते हैं कैसे निकालते हैं क्या क्या एक्सेप्शन होते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है वो भी हम डिस्कस करेंगे और फिर मैंने क्या किया है कि ड्रोवर एंड ड्रोवी के बुक में जो भी एंट्रीज होती है मेरे बच्चे डिफरेंट केसेज में वो मैंने आपको यहाँ पे पहले रिविजन कराना है एक एक एंट्री को समझाऊंगा फिर मैं क्या करूंगा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और इस क्वेश्चन को मतलब कि ऊपर की सारी बातें ये खास क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है ऊपर की सारी बातें इस क्वेश्चन के थ्रू भी हम क्या करेंगे रिवाइज करेंगे क्योंकि जब तक थ्योरी को हम प्रैक्टिकली ना समझ ले तब तक, तक क्या रिवीजन तो कोई रिवीजन का मतलब ही नहीं बना ठीक है ना तो हम उसका भी रिवीजन करेंगे

और म्यूचुअल पे जो सबसे टिपिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो फिफ्थ क्वेश्चन ये भी हम आपके साथ रिवीजन करेंगे और म्यूचुअल को कहानी के रूप में जैसे हम लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है उससे भी आपको अच्छी तरीके से रिविजन में आपको यहां पे कराने वाला। तो तो क्या आप सारे बच्चे रेडी हैं क्या आप सारे बच्चे रेडी हैं क्या मैं स्टार्ट करूं मेरे बच्चे क्या मैं स्टार्ट करूं इस क्लास को क्या मैं इस क्लास को स्टार्ट करूं

और एक बार पहले चेक कर लो कि आपका जो लेवल है ताकि मुझे पता रहना कि किस लेवल से शुरू करना है ठीक है तो मैं यहां पे आपको एक एक क्वेश्चन पे देता हूं सुनिए क्वेश्चन, आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके लेवल को मैं समझूंगा और उसके बाद मेरे बच्चे फिर मैं क्या करूंगा कि आपको यहां पे आगे रिविजन शुरुआत कराऊंगा कहता है डेट ऑफ ड्रोन डेट ऑफ बिल डेट ऑफ बिल ड्रोन जो आपने बिल ड्रॉ किया है ये कहता है कि ट्वेल्थ सितंबर को ट्वेल्थ सितंबर और कहता है कि पीरियड ऑफ बिल पीरियड ऑफ बिल ये कहता है कि टू मंथ्स का है टू मंथ्स आपका और मैंने दे दिया आपको टाइप ऑफ बिल टाइप ऑफ बिल तो ये टाइप ऑफ बिल कह देता है आपका मान लो यहां पे एट साइट एट साइट बिल एट साइट बिल आपका बोलता है जरा बताओ इस क्वेश्चन में इसका ड्यू डेट क्या निकल के आएगा चलो ये आपका एमसीक्यू आ गया मेरे बच्चे और ये हमारा वो पहला क्वेश्चन है जो मैं जिससे जिसके बाद रिवीजन शुरू करूंगा जानकर समझ कर कि एक्चुअली आपका लेवल क्या है एक्चुअली आपका लेवल क्या है इसका आंसर बताइए कि ड्यूडेट क्या निकल के आएगा चलिए सारे बच्चे मैं शुरू कर रहा हूँ देख चुका हूं मैं आपका आप लोग अपना आंसर लिखिए और फिर मैं यहां पे आपका आंसर देखूंगा तो सक्षम कहते हैं कि सर पंद्रह नवंबर को आपका होगा आ, साक्षी कहते हैं कि सर बारह नवंबर को होगा आ, मैं एक बार देखना भी चाहता हूं अरे कोई बाहर में है तो एक पोल रेज कर दो ना एक पोल रेज कर दीजिए कोई अगर इसको देख रहा है तो मैं तीन डेट दे देता हूं एक आ रहा है बारह बारह नवंबर का एक पोल रेज कर दीजिए एक रेज कीजिए पंद्रह नवंबर का पोल रेज कीजिए और एक कर दो आप यहाँ पे बस एक बदमाश सोलह जनवरी क्यों बोल रहा है नलायक है वो चलो कोई लगा दीजिए ना पोल इसमें और पोल में आपका एक बारह नवंबर एंड पंद्रह नवंबर दो कोई है बाहर जो इसको देख रहा है कोई है जो पोल रेज कर सकता है बारह नवंबर एंड पंद्रह नवंबर के बीच में तब तक मैं सबका आंसर भी चेक कर रहा हूं यस पोल आ गया है एक बार आप ना पोल में अपना आंसर दीजिए पोल में कि बारह नवंबर और पंद्रह नवंबर में क्या आंसर आपका निकल के आ रहा है एक बार पोल में लेकर आए और मैं यही देखना चाहता था एक्चुअली सचमुच में आप कितने कैपेबल हैं सेवेंटी अभी तक जितने बच्चों के आंसर आए हुए अभी और सारे बच्चे दो ना हम लोग लगभग तीन सौ बच्चे भी हैं, तो भी उस का होना चाहिए बारह नवंबर में पंद्रह नवंबर अभी हमारा शुरू नहीं हुआ है पहले मैं आपका लेवल चेक चेक कर मैं मैं क्या चेक मैं कौन होता हूँ चेक करने वाला आप पहले अपने लेवल को चेक कर लीजिए उसके बाद हम आज रिविजन को बढ़ाते हैं आ, मैं देख रहा हूं मैं देख रहा हूं बारह नवंबर में अभी ट्वेंटी नाइन परसेंट बच्चों ने और 15 नवंबर जवाब सही दे दिए वही बच्चा समझो कि मस्त और आपको बताया कि आपको फिर क्या करना फिर मैं क्या करूंगा तो पोल अभी चल रहा है जी अभी भी सारे बच्चे अरे सारे बच्चे जवाब दो ना बदमाश अभी तीन करीब अभी लाइव है ये दो सौ पांच बच्चों में पोल अभी आया हुआ है यही गंदा लगता मुझे आप पोल का हिस्सा बनते हो ना आप लाइक करते हो वीडियो को तो फिर करेंगे क्या आप? आपका जन्म किस लिए हुआ ये बताइए चलो पोल कब तक चलेगा दो सौ ग्यारह बच्चों का भी दिखाया है ठीक है तो शायद बाकी बच्चे जो है ना वो जवाब देना नहीं चाहते हैं वो बोलते हैं कि हमें नहीं जवाब देना पोल एंड हो गया जी अभी चल रहा है चल रहा अभी बारह नवंबर और पंद्रह नवंबर आपका बारह नवंबर में थर्टी परसेंट बच्चों का आंसर है और फिफ्टीन नवंबर जो है आपका सेवेंटी परसेंट बच्चों का आंसर ठीक है तो ये आपका निकल गया मेरे बच्चे यहां पे जो ये आंसर है ना इसका आंसर जो सही आंसर है जो सही आंसर है वो है आपका ट्वेल्थ नवंबर अनडाउटली यानी कि आप में से हर एक बच्चा कई सारे बच्चे जब आप सही दे रहे हैं उनका रीजन भी बता रहे हैं बिल्कुल सही आपका है लेकिन कई सारे बच्चे जो अभी सेवेंटी परसेंट जो बच्चे क्लास देख रहे हैं और मैं चाहूंगा कि जो बच्चे बाद में देखेंगे वो भी पहले आपका समझ ले अपना एनालिसिस कर ले इसके ऊपर में कि जितने बच्चों ने फिफ्टी नवंबर का नाम लिया वो सारे बच्चे गलत है सारे बच्चे गलत है क्योंकि मेरे बच्चे आप शायद भूल गए कि अगर जो बिल ऑन डिमांड होता है ऑन डिमांड बिल एट साइट बिल आपका ऑन डिमांड ऑन प्रेजेंटमेंट या फिर आपका एट साइट बिल उस पे हम थ्री डेज के ग्रेस पीरियड को एड नहीं करते हैं, yes, आप सही बता रहे हैं। हो 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 क्या हमने बोला एट साइट एट साइड एटी एट साइड बस एट साइड ऑन डिमांड ऑन प्रेजेंटमेंट इन तीनों में हम क्या करते हैं कि वी डू नॉट एट ग्रेस पीरियड ये बात ध्यान रखेंगे ये आपका वन मार्क के क्वेश्चन बना तो जो थर्टी परसेंट बच्चे हैं वो अपना पांच एमसीक्यू में एक एमसीक्यू का जो आंसर है वो अपना सही काउंट करेंगे अभी चार पड़ाव और आपको निकलने हैं और जो गलत कर गए उनके पास भी अभी है मौका अभी है मौका आगे बढ़ने का है ना क्योंकि तीन आपके पास टारगेट है सही होने का चलिए अब मैं शुरू करता हूँ मेरे बच्चे इसका पूरा का पूरा रिविजन आइए देखो बिल्स एक्सचेंज में आपके एग्जाम में जो थ्योरी इसका रेलिवेंट है उस थ्योरी के अंदर में आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपको वन मार्क के क्वेश्चन के लिए या एमसीक्यू क्यू के लिए फिल्मी ब्लैंक्स के लिए ये सेक्शन फाइव ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एटीन एटी वन ये आपको ध्यान रखना होगा ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एटीन एटी वन एटीन एटी वन का सेक्शन फाइव के अंदर मेरे बच्चे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है? ये, ये आपके है और जो डेफिनेशन आपका जब लिखा जाएगा ना इसमें भी कुछ अच्छी बातें हो सकता है एग्जाम पूरा, पूरा दे दे एक एक क्या, तो क्या क्या मिस कर सकता है कहता कि डेफिनेशन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर ये बड़े इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको यहां पर कर रहा हूं अनकंडीशनल ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर जो कि अनकंडीशनल कोई कंडीशन उसके अंदर नहीं होगा इफ अगर ऐसा हुआ तो वैसा कुछ भी नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड वो रिटर्न आपका यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है साइन बाय द मेकर इसको कौन साइन करता है मेकर मेकर यहाँ पे कौन होता है ड्रोवर ये जो ड्रोवर है ना बच्चे ड्रोवर आपका ये आपका क्या करेगा पहले उस बिल पे साइन करेगा है ना? तो साइंड बाई दायरेक्टिंग टू पे डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग मतलब क्या हो गया जी कौन सा पर्सन ड्रोवी यानी कि जिस बंदे को हम यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं कि भैया आपने पेमेंट करना है डायरेक्टिंग सर्टन पर्सन वो कौन होता है ड्रोवी क्या टू पेटन समी टू ओनली टू क्या ओनली टू या तो ड्रोवर या तो ड्रोवर को आपको पेमेंट करना है और टू द ऑर्डर यानी कि ड्रोवर जिसको ऑर्डर करेगा जिसको बोलेगा उसको पे करेंगे या फिर और टू द बियर

टू और टू दर्टन पर्सन टू दीर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इस बात को ध्यान रखेंगे एग्जाम में हो सकता है मेरे बच्चे आपके पास आ जाए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स बताइए यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या चीजें आप देखते हैं तो कुछ चीजें जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है और आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं कि एक तो ये बिल आपका क्या होना चाहिए राइटिंग में होना चाहिए

ये फिर से कहा क्या इसको बदमाशी आ गई हाँ, है ना ये ये सारे इसके क्या निकल के आ रहे फीचर्स आप देखेंगे उसी डेफिनेशन से अपने निकाल दिया राइटिंग डेटेड ऑर्डर टू पे अनकंडीशनल होना चाहिए पेबल टू ए डेफिनेट पर्सन और टू हिज और टू हिज ऑर्डर और टू द बियरर और टू द बियरर आपका है ना तो या जिसको ऑर्डर करेगा या फिर बियरर को ड्राफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट जो

नोट में मैंने यहाँ पे सिंपली वही बताया कि जो बिल आपका द पार्टी विच मेक्स द ऑर्डर जो ये ऑर्डर यानी कि जो बिल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं ड्रोवर मेकर यहाँ पे कौन है बच्चे ड्रोवर आपका है पार्टी जो इसको एक्सेप्ट करता है जो बिल एक्सेप्ट करता उसको हम क्या बोलते है, ना ये भी मैचिंग वाले में किसी में पूछ सकता थी, सारे बात आप ध्यान रखेंगे तो एक्सेप्ट हो गया एंड पार्टी टू होम द अमाउंट पेड जिसको अमाउंट हमने पे करना है हम उसको क्या बोलते हैं पेई कहते हैं पेई तो पे यानी कि जो बंदा पैसा रिसीव करता ऑन द ड्यू डेट अब जानते हैं कि जो ड्रॉवर है अनपे आप आपका कैन और मे बी द सेम पर्सन ड्रॉवर नहीं अपने पास बिल रखा हुआ है ड्यू डेट पे जाके पैसा कलेक्ट करता है तो वही पे ही बन जाता है ना तो ये बातें आप जानते हैं इशू को दिक्कत नहीं है नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखो दो तरीके के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं 2016 सिलेबस 2022 सिलेबस अगर आप लोग अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट को देखेंगे तो जो 2016 सिलेबस के बच्चे हैं जो 2016 सिलेबस के बच्चे हैं मैं बता दूं कि आपके जो क्लासिफिकेशन और बिल सब एक्सचेंज है ना बच्चे आपके स्टडी मटेरियल में क्लासिफिकेशन में सिर्फ दो बिल है एक आपका यहां पे कहता है ट्रेड बिल और दूसरा बोलता है अकोमोडेशन बिल

कहते हैं कि वो बिल जो आपने लिखा है और उस बिल में जो ट्रांजैक्शन हुआ है ना उसका एक प्रूफ भी आपके पास है अगर कोई हम किसी पार्टी पे बिल लिखते जैसे हमने किसी को सेल किया तो हमने क्या उस पर बिल लिखा ना उसके साथ साथ सेल करने का इनवाइस कोई बिल मतलब कोई प्रूफ हमारे पास है तो हम उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री बिल ध्यान से सुनते चलेंगे फटाफट कुछ दिक्कत नहीं है क्लीन बिल का मतलब क्या होता है जी वो बिल जो आपने पार्टी पे लिखा है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए कोई प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो बोलते है उसके लिए तो प्रूफ है कि भैया यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपका हुआ है तो उस केस में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्री बिल में रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक कम चार्ज करता है लेकिन जो क्लीन बिल होता है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ज्यादा चार्ज करते हैं अगर बिल को आप डिस्काउंट करते हैं तो है ना क्योंकि वहां पे आपका कोई प्रूफ नहीं है हो सकता है कि कोई बोगस आप काम कर रहे हैं तो एग्जाम में ये वन मार्क का क्वेश्चन बन सकता है ध्यान देंगे

यूसेंस बिल यूसेंस बिल का मतलब जी जिस बिल का पेमेंट करने के लिए एक टाइम पीरियड दिया जाएगा उसमें लिखा रहेगा कि बिल आपको दो महीने के अंदर पे कर देना है बिल आपको महीने के अंदर पे कर देना है, है।, तो है एग्जाम में, में, तो में आ जाए टाइम बाउंड बिल टाइम बाउंड बिल तो हम क्या बोलेंगे आपका टिकमा करेंगे याद रहेगी बात आपको ये सर इनलैंड बिल जो इंडिया में ही आपने ट्रांजेक्शन किया और इंडियन इंडिया में ट्रांजेक्शन करके इंडियन लोगों के ऊपर बिल लिखा इनलैंड मतलब कि एक ही कंट्री के अंदर जब आपका बिल का लिखा, लिखना ये सब होता है तो उसको बोलते हैं इनलैंड बिल आपका और आपका फॉरेन बिल यानी कि जो बिल आपका इंडिया से बाहर से आपका कोई लेन देन हुआ है उस पर आपने लिखा हुआ है बाहर वाले पार्टी पे जनरली फॉरेन बिल का एग्जांपल में आपका इंस्टीट्यूट दो बिल बताता है इंपोर्ट बिल दूसरा एक्सपोर्ट बिल तो इंपोर्ट बिल एक्सपोर्ट बिल याद रखेंगे अगर एग्जाम में आ जाए इंपोर्ट बिल इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ बिल तो कहाँ टिकमा करेंगे फॉरन बिल के अंदर में आ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे

कि जो हमारे देश में जो कॉन्ट्रैक्टर है ना बच्चे जो हमारे देश में कॉन्ट्रैक्टर है सप्लायर है किसके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जब कोई आप ट्रांजैक्शन करते हो और उसके बदले में आप कोई बिल लिखते हो किस पे गवर्नमेंट के ऊपर में तो उसको हम बोलते सप्लाई बिल याद रहेगा आपका जहां पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेन हुआ और फिर आपने बिल लिखा तो हम क्या बोलेंगे सप्लाई बिल ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा तो दिस बिल इज द दा बिल दैट इज विद्रॉन बाय द सप्लायर और कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आगे तो बिल की बात कर रहा है ये कंप्लीटली आपके लिए सिर्फ थ्योरी के लिए वन मार्क के लिए फिल फिलिंदी ब्लैंक्स के लिए या जो मैचिंग होता है उसके लिए रेलेवेंट है बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है आई बात समझ में ये सर नाउ अगली थ्योरी में आप आगे प्रोमिस नोट देखो आपको मैं जल्दी से हमने क्लास में बहुत बेहतर तरीके से इसका डिफरेंसेज को समझा हुआ है बट मैं रिविजन में भी आपको उसी तरीके से आपको बताना चाहता हूँ वो जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है ना बच्चे वो कौन लिखता है ड्रोवर वहां पर लिखा था ड्रोई के ऊपर में है ना एंड ड्रोई ने क्या किया था उसको एक्सेप्ट किया था ड्रोई एक्सेप्ट करता वहां पे ड्रोई आपका एक्सेप्टेंस देता है प्रोमिसरी नोट में क्या बच्चे कि मैं मतलब कि जिसने गुड्स परचेज किया मैंने परचेज किया है है ना यहाँ पे ऐसे दिखाऊं मैं आपको ऐसे दिखा दू एक बार आ, ये देखिए आप यहाँ पे हमारे पास क्या है जी एक फॉर्म है एक फॉर्म है ना और एक है मिस्टर ए मिस्टर ए आप ऐसे समझ लीजिए फॉर्म ने मेरे बच्चे इनको क्या क्या गुड्स सोल्ड किया मान लो फॉर्म ने क्या क्या इनको गुड्स सोल्ड किया तो मिस्टर ए फॉर्म का क्या बोला जाएगा डेटर बोला जाएगा डेटर है जिसको हमने क्रेडिट पे बेचा है और एक फर्म क्या बोला जाएगा क्रिएटर बोला जाएगा क्रिएटर बोला जाएगा यहाँ पे क्रिएटर बोला जाएगा ठीक है ना तो आप ध्यान दीजिए होता क्या है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना बिल ऑफ एक्सचेंज वो कौन लिखता है आपका क्रिएटर लिखता है फॉर्म लिखता है बिल ऑफ एक्सचेंज लेकिन प्रोमिसरी नोट कौन लिखता है जी ये डेटर लिखता है ये डेटर ही क्या करेगा एक कागज उठाएगा और उस कागज पे लिखेगा कि मैं प्रोमिस करता हूं मैं प्रोमिस करता हूं कि इतना पैसा इतने समय के बाद मैं आपको पे कर दूंगा तो मेरे बच्चे यहाँ पे क्या होता है कि मिस्टर ए जो है ना मिस्टर ए यानी कि डेटर ही क्या करेगा प्रोमिसरी नोट लिखता है है ना यहाँ पे उसमें आपका अगर देखा जाए तो उसमें मेनली आपके तीन पार्टी ड्रोर, दो ही पार्टी होते हैं। एक क्रेटर। तो ये जो है और डेटर लिख रहा है ये भी आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ध्यान रखना थियोरी के लिए क्योंकि ये सारी बातें एमसीक्यू में बनने वाली होती है ना तो मैं वही बता दूं यहाँ कहता है कि प्रोमिस नोट पढ़ेंगे मेरे साथ आप यहाँ पे Note instrument in writing. ये भी भी क्या बता रहा है जी? Instrumental writing है, वो भी writing में था नोट बी बैंक नोट इससे नोट जो नोट होता है ना बैंक सौ रुपए का दो सौ पांच सौ होना. ये नोट नहीं है और कोई करेंसी भी नहीं है हाँ ये कंटेनिंग एन अनकंडीशनल आपका अंडरटेकिंग अंडरटेकिंग है बच्चे मतलब प्रोमिस है वो अनकंडीशनल ऑर्डर था बिल एक्सचेंज क्या था अनकंडीशनल ऑर्डर था और ये क्या साइन करेगा मतलब आप करेंगे to, यहां भी ध्यान देना है ये किसको पे करना है ओनली टू और टू सर्टेन पर्सन यानी कि फर्म यानी कि क्रेडिटर को पे करूंगा या जिसको जिसको ये ऑर्डर करेंगे उनके डेफिनेशन में बियर भी था

बियरर ओहो जो मैं आपको अभी समझा रहा था इस बदमाश ने बोल भी दिया कि जो बियरर होते हैं ना जो बियरर होते हैं उनको ये पेबल नहीं होता बियरर को क्या पेबल होता है वो बिल सब एक्सचेंज प्रोमोशन और किसको पे करेंगे या तो उस पार्टी को यानी कि आपको और टू द ऑर्डर जिसको आप ऑर्डर देंगे जिसका नाम पहले आप मैंशन कराएंगे अगर आप कि कि सर इसका फीचर्स फीचर्स बताइए तो मेरे बच्चे में में ये 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 भी भी राइटिंग होता होता है ये है ये promise, ये है ये है टू 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 पे 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 वो ऑर्डर था अनकंडीशनल यानी जो मेकर है वही इस पे साइन करता है जो मैंने बताया आपको मतलब कि firm, द सम पेबल मस्ट भी सर्टन अमाउंट भी आपका सर्टन होना चाहिए कह दे कि भैया आई प्रोमिस टू पे फिफ्टी थाउजेंड प्लस ऑल फाइन ये नोट नहीं लिखा जा सकता सर्टेन अमाउंट होना चाहिए एग्जैक्ट अमाउंट आपका होना चाहिए यह भी लीगल करेंसी में होना चाहिए इट शुड नॉट बी पेबल टू बियर मैंने बोला आपको अभी बोला मैंने कि को पेबल नहीं होता ये भी होना चाहिए इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस जैसे वो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रोवी एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे एक्सेप्टेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मतलब की उस उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आपने कर्ज लिया है आपने साइन करके भेज दिया तो भैया वही प्रोमेसी नोट आप

कोई परेशानी इसके अंदर में नहीं सर कहा सकता बदमाश ये ये तो सब पढ़ा हुआ है इतने मस्त तरीके से आपने पढ़ा हुआ यार इसमें क्या परेशानी है आओ ना सुनो क्योंकि दोनों ही बुक में कई सारे एक्सप्लेनेशन उन्होंने क्या किया अलग अलग किया है मेरे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों सुनो एग्जाम में आ जाए पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन से पार्टी होते हैं तो अगर आपका 2016 सिलेबस है अगर आपका 2016 सिलेबस है तो आपको पार्टी में पांच नाम लिखने पड़ेंगे पांच नाम लेकिन अगर 2022 सिलेबस है तो 2022 सिलेबस के बुक में उन्होंने पार्टी में क्या क्या सिर्फ तीन नाम दिए हैं ऐसे पांचों पार्टी होते हैं आप सभी दोनों के बुक में explanation है, लेकिन मैंने बता दिया ना कि आप एग्जाम में अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को ही फॉलो करेंगे थ्योरी का आपको क्या क्या लिखना उसके लिए और अगर आपका सिक्सटीन सिलेबस हुआ तो आपको पांचों नाम लिखने होंगे पांचों नाम ड्रोवर ड्रोई पे जितना वो चाहते हैं ड्रॉवर आप ऑलरेडी जानते हैं जो बिल ड्रॉ करता है चीज आप, हाँ, आपको एग्जाम में कन्फ्यूज करता है कि ड्रोवर कौन होगा आपका तो ध्यान रखना क्रिएटर यहाँ भी मैंने आपको समझाया ना कि जो कर्ज देता है हम उसको क्या बोलते हैं आपका वो आपका फर्म यहाँ पे क्या बोला क्रेडिटर बोलता है है ना क्रेडिटर यहाँ पे तो ड्रॉवर कौन होगा एग्जाम में आ जाए ड्रॉवर कौन होगा आपका डेटर क्रेडिटर तो क्रेडिटर में टिक मा करेंगे ड्रॉवी का मतलब जी जिस पे बिल हम जिसने जिस पे बिल हमने लिखा हुआ है और ये कौन होता है आपका डेटर होता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बायर या डेटर आपका है ना

मैंने गुड्स आपको सेल किया और कहा कि भैया बिल आप साइन कर देना आपने कहा कि ठीक है मैं घर जा रहा हूं आप बिल भेज देना मैं वहां पर साइन कर दूंगा हमने कहा कि यार आपको घर भेज दिया आप रहते हो वहां पे अगर आपने साइन नहीं किया तो फिर क्या करेंगे तो आपने कहा कि चिंता ना करो वो आदमी है ना वहां पे देखो वो आदमी खड़ा है मेरा दोस्त है आपका भी दोस्त है ना अगर मैं बिल पे साइन नहीं करूंगा तो ये साइन कर देगा मतलब एक तरीके से एक आदमी जो हमें बच्चे ड्रॉई इन केस ऑफ नीड बोलिए क्या बोलते हैं हम लोग ड्रॉई इन केस ऑफ नीड आपका ठीक है ना तो ये भी बातें मैंने आपको समझा दी अब अगर मैं आपको यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमो नोट के बीच में डिफरेंसेज को बताऊंगा तो मेरे बच्चे आपको ना मैं अंडरस्मिट करूंगा क्योंकि उतना पढ़ने के बाद इतना रिवीजन कराने के बाद दोनों में फिर उसका डिफरेंसेस मैं क्यों बताऊं कोई लॉजिक समझ में नहीं आता बट मैंने इसलिए दे दिया है क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट आपके लिए है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन दोनों में डिफरेंसेस पूछा है और पूछ सकता है तो आपको नोट्स रिविंजंस से, से यहीं से काम चल जाएगा ठीक है अब हम आते हैं एक और मैंने कहा था कि आपसे ना मैं आ, पांच एम सी क्यू पूछूंगा एक एम सी क्यू पूछा ने सही जवाब दिया हुआ है तो अब वो थर्टी परसेंट बच्चे अगर ये भी जवाब दे देंगे तब तो वो उनका दूसरा आंसर भी सही हो जाएगा और वो बदमाश जो सेवेंटी बच्चे थे अगर वो है और उन्होंने अगर सही जवाब नहीं दिया था तो फिर तो कोई बात ही नहीं है बस वो आपका थोड़ा खुश हो जाएंगे सेकंड सही हमारा हुआ आइए अगला सवाल मैं कहता हूं मैं कहता हूं कि भैया जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या जो आपका प्रोमसरी नोट पहले हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही को लेकर चलते हैं क्योंकि दोनों का सेम ट्रीटमेंट होता है सेम मीनिंग बिल ऑफ एक्सचेंज का जो पीरियड ऑफ बिल होता है ना यानी कि आप मुझे बताओ कि ये जो आपका बिल होता है मेरे बच्चे बिल ऑफ एक्सचेंज वो पीरियड ऑफ बिल कितने समय के लिए लिखा जाता है मतलब मतलब मैक्सिमम टाइम पीरियड कितने समय का होता है मतलब, अगर मैं आप पे एक बिल लिखना चाहता हूं, तो बिल कितने समय का दो महीना तीन महीना पांच महीना दस महीना कितने समय का हो सकता है अभी आप जवाब मत देना अभी मत देना मैं पहले पूरा स्टेटमेंट सुन लो पर बच्चे, बिल जो है ना वो कितने भी समय का हो सकता है अरे मैंने कहा ना अभी जवाब नहीं देना बदमाशो अभी जवाब मत देना मेरी बात ध्यान सुनेंगे बिल जो है मेरे बच्चे वो कितने समय का भी हो सकता? लेकिन बट जनरली बिल टू द मैक्सिम कितने समय का लिखा जाता है जनरली मैं पूछ रहा हूं अब जवाब दीजिए अब जवाब दीजिए कि जनरली बिल टू द मैक्सिमम कितने समय का होता है जनरली बिल कितने समय का होता है जनरली बिल कितने समय का होता है और ये जो है ना ये जो बच्चे हैं जो बच्चे थ्री, तो थ्री सिक्स मंथ्स बोल रहे हैं मैं यहां पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा बच्चे थ्री मंथ्स का मतलब होता है पता नहीं मैं देख रहा हूं आपके आंसर को मैं आपके आंसर को देख रहा हूं और सुन लीजिए मेरी बात ये बिल जो मेरे बच्चे जो थ्री मंथ्स बोल रहे हैं वो मुझे आंसर सही नहीं लग रहा हुआ है क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मेट में और हमने अपने रेगुलर क्लास में भी आपको समझाया है कि बिल का पीरियड जो है जनरली नाइनटी डेज का होता है आप कहते हो सर तीन महीने में नब्बे दिन में क्या फर्क है आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि तीन महीने में नब्बे दिन में कोई फर्क नहीं है लेकिन मेरे बच्चे हमारा इंस्टीट्यूट जब कोई चीज कोट कर देता है ना फिगर तो हमें उस पे स्टिक होना चाहिए। थ्री मंथ्स का मतलब वो कुछ बदमाश टीचर जो होते हैं ना नब्बे अप्रैल में कितना हो गया तो नब्बे दिन नाइन डेज मेन मा करेंगे बट एक्चुअली ये मेरा सवाल था ही नहीं अगर आपको ये लगता है कि यार इस सवाल में मैं पांच सवाल को काउंट करूंगा तो आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई है ही नहीं ये सवाल नहीं था मेरे बच्चे वो पांच सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं जिसमें से दूसरा सवाल जो पूछना है वो अभी आगे आएगा ये सवाल नहीं है आएगा भी सवाल क्योंकि मैंने कहा कोई ऑप्शन आपको दिया था यहाँ पे कहा कोई पोल मैंने रन किया कहाँ का रन किया मैंने मैं आऊंगा उस सवाल पे लीजिए मैं थोड़ा क्लीन कर लो यहाँ पे आपको ये ये कोई सवाल थोड़ा ही है मैं तो बस ये एक्चुअली ये आगे था ना इसलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया ये देखो आप कि टर्म ऑफ बिल जो है ना वो कहता है कि कितने भी का हो सकता है, बट ये कहता है कि, 90 days, exceed, मतलब बात किया नहीं बदमाश खेल नहीं खेलना मैं आपको आवास खेल नहीं खेलना मैं आपको बता रहा हूं वो पांच सवाल आप सोच सकते हो कि यार इतना आसान होगा हो तो वो तो नहीं होगा ना पहले सवाल में देखे ना सौ में से 30 परसेंट बच्चे सही 70 परसेंट गलत हो गए तो आगे भी कैसे होगा आऊंगा अभी उस सवाल पे आप क्यों चिंता करते हो पहले सुनो अब अब मैं आ गया यहाँ पे डेट ऑफ मेच्योरिटी और शायद अब मुझे इस बात को समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट अगर आप निकालते हैं तो मेरे बच्चे आपको क्या करना होता है कि उसमें थ्री डेज के ग्रेस पीरियड को ऐड करना होता है आपको थ्री डेज के ग्रेस पीरियड को ऐड करना होता है बात जानते हैं लेकिन हाँ वो क्या जी कहते हैं कि अगर वो बिल ऑन डिमांड है एट साइट है ऑन प्रेजेंटमेंट दो के साथ ऑन एक के साथ एट अगर ऐसा होगा तो फिर ये पेवल आपका ऑन द दे डेट होता है जो हमारे कैलकुलेशन के बाद निकल के आता है वी डू नॉट एड एनी आपका

तब तो फिर सत्र वही होता है ऑन डिमांड बिल आपका ऑन प्रेजेंटमेंट आपको पेमेंट करना है तो फिर आपको ऐड नहीं करते मेरे बच्चे तो स्पेसिफिक डेट जो होगा वही आपका ड्यू डेट होगा याद रहेगी बात आपको ये सर मजा ये बी और सी में है इनको थोड़ा सा समझना क्योंकि आपने देखा है और बच्चे खासकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं ड्यूड को निकालने में कि बच्चे कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि बिल आपका टू का है कभी कभी भी कहता है कि बिल आपका सिक्सटी डेज का है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इस रिविजन क्लास के थ्रू कि अगर क्वेश्चन कहेगा कि बिल आपका टू मंथ्स का है तो मेरे बच्चे आपका जो काउंटिंग ऑफ बिल होगा ना वो मंथ्स में होना चाहिए

अरे कहां चला गया मेरा कहता है कि भैया पांच जुलाई को ये लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ जुलाई को हमने क्या किया जी एक बिल लिखा यहाँ पे और बिल कहता है कि टू मंथ्स के लिए टू मंथ्स के लिए तो आप बोलता बताओ अच्छा वो टाइप ऑफ बिल वो ऑन डिमांड ऑन प्रेजेंटमेंट एट साइट अगर वो मेंशन नहीं करता तो हमेशा आपको बिल मानना है आफ्टर डेट आफ्टर डेट का मतलब कि ग्रेस पीरियड को आपको ऐड करना नॉर्मल जिस तरीके से काम करते वही काम करेंगे तो मेरे बच्चे मैं आपको ये कहना चाहता हूं मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर फिफ्थ जुलाई बोल दे पांच जुलाई को आपने दो महीने का बिल तो हम काउंटिंग कैसे करेंगे पांच जुलाई से पांच अगस्त पांच सितंबर, फाइव अगस्त फाइव सितंबर और तीन दिन ऐड किया एट सितंबर। यही काउंटिंग करते हैं ये सर तो जब मंथ्स में आएगा तब कोई टेंशन ही नहीं है अगर वो कहता दिया कि भैया मान लो कि यहाँ पे बिल आपका ट्वेल्थ जुलाई है वो कहता है कि ट्वेल्थ जुलाई और कहता है कि एक महीने का बिल है जल्दी से मुझे बताइए सारे बच्चे जल्दी से टाइप करके कि ये अगर कहता है कि ट्वेल्थ जुलाई को आपका बिल लिखा गया और वन मंथ के लिए तो बिल का ड्यूडेट क्या आएगा बिल का ड्यूडेट क्या आएगा जल्दी बताइएगा आप 12 जुलाई महीना बिल का ड्यूडेट क्या आएगा ट्वेल्थ जुलाई और एक महीना मैं देख रहा हूं बदमाशो मैं सभी बच्चों के आंसर देख रहा हूं और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारे नलायक बच्चे यहां पे बैठे हुए हैं वो ऐसे बच्चे हैं कि उनको मैं क्या से क्या कर जाऊं मैं समझ नहीं पा रहा हूं यहां से मेरे अंदर में छटपटा आउट हो रही है ये जितने सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं और जो आपका कह रहे हैं कि आपका 15th अगस्त शायद उनको नहीं पता कि हमारे देश में 15 अगस्त एक आपका नेशनल हॉलीडे होता है और अगर वो नेशनल हॉलीडे होगा तो हम क्या करते हैं जी उसको प्लांड हॉलीडे में काउंट करते हैं और अगर प्लांड हॉलीडे काउंट होगा तो उस केस में ड्यू डेट को हम प्रीपोन करते हैं प्रीपोन करते हैं बदमाशों, ना कि हम पोस्टपोन करते हैं तो 15 15 तो है तारीख छुट्टी है तो पहले हुई है वो आगे नहीं जाने दूंगा ये चौदह तारीख का निकल के आएगा फोर्टीन को आपका करेंगे ठीक है तो पंद्रह अगस्त छुट्टी होता है बदमाश छुट्टी होता है हमारे देश के अंदर में छुट्टी होता है ठीक है ठीक है प्रिंसू सही बोला सोनी अच्छा अब मान लो कहता है कि ये तो आपका हो गया इस तरीके से बस मैं यही बताना चाहता हूं कि मंथ्स में आ जाए तो इस डेट को इंक्लूड करना है उसको सोचने का मतलब ही नहीं बनता हमने 12 जुलाई से काउंट किया 12 अगस्त तीन दिन ऐड किया 15 अगस्त प्लांट होलीडे तो ठीक है जी हमने क्या किया प्रीपोन कर दिया और जरा कोई बताएगा कि अगर वो सडन हॉलीडे हो जाए मान लो हमने कहा कि भैया हमने अगस्त को भी लिखा है और बिल कहता है कि थ्री मंथ्स का आपका है तो 16 अगस्त से 16 सितंबर 16 अक्टूबर 16 नवंबर और तीन दिन ऐड किया तो नाइनटीन आ गया नाइनटीन नवंबर और एग्जाम में कहते कि भैया नाइनटीन नवंबर आपका स्ट्राइक है तो बताओ हम फिर क्या करेंगे 19 कह दे कि स्ट्राइक है तो फिर हम क्या करेंगे सर उस केस में हम क्या करते हैं हम इसको पोस्टपोन करते हैं जब सडन हो जाए अरे बदमाशो जब सडन हो जाएगा तो फिर हम क्या करते हैं कि हम पीछे नहीं जा सकते हमें आगे बढ़ना होगा तो हम क्या करेंगे ट्वेंटी को लेंगे अगर ट्वेंटी को भी स्ट्राइक रहा तो कोई बात नहीं ट्वेंटी मतलब कि लॉ में कहा है कानून में कहा है कि नेक्स्ट नॉर्मल डे पे हम उसका ड्यूरेट मानेंगे नेक्स्ट नॉर्मल डेट पे हम उसका ड्यूडेट मानेंगे ठीक है आपको मेरी बात समझ में आ रही ये सर तो मैं वही बताना चाहता था देखिए ना कि मंथ्स में होगा तो ठीक है जी ये काउंट करेंगे और पता नहीं क्यों मैं मेरे दिमाग में क्या आया मैंने डीप ही समझा दिया कि ड्यूडेट अगर एक पब्लिक हॉलीडे पे आ रहा है तो हम क्या करेंगे जी कि आपका प्रिसीडिंग बिजनेस डे को लेंगे आपका और अगर ड्यूडेट आपका क्या करता है इमरजेंसी या अनफॉर्चुनेट यानी कि हॉलीडे होता है तो फॉलोइंग नेक्स्ट जो नॉर्मल डे होगा हम उस दिन को काउंट करेंगे अब आ जाइए अगर काउंटिंग डेज में आ जाए तो अगर काउंटिंग आपका देश में आ जाए तो फिर क्या करते हैं देखो ना मेरी बात सुनो ना देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूं अगर एग्जाम में कह दे मेरे बच्चों कि देखो जी आपका सेवेंटींथ अगस्त और कहता है कि ये आपका फिफ्टी डेज फिफ्टी डेज का बिल आपका है सेवनटींथ अगस्त और कह दे कि फिफ्टी डेज का बिल है तो आप जल्दी से मुझे बताओ जल्दी से मुझे बताओ कि सेवनटींथ अगस्त और फिफ्टी डेज अगर कह देगा तो ड्यू डेट क्या निकल के आएगा आप में से जो बच्चा सही बताएगा ना उसको मैं आज अभी इसी वक्त मेरे बच्चे एक ऐसी चीज देने वाला हूं ना एक ऐसी चीज कि आप उसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो सच बोल रहा हूं ये देखो झूठ नहीं बोलता आप बताओ 17 अगस्त से फिफ्टी डेज वो ड्यूडेट क्या निकल के आएगा सेवनटीन 17 अगस्त से फिफ्टी डेज का क्या आपका निकल के आएगा जल्दी बताए सेवेंटी डे से मैं एक काम करूं क्या मैं सोच रहा हूं मैं काउंटिंग करता हूं और काउंटिंग करके मैं खुद जवाब निकालता हूं आप आप लोग क्या क्या करना आप बस बता देना सही सही या या गलत गलत आपको दो ही वर्ड लिखना है सही या गलत? क्या है सुनिए मेरा अगस्त से पचास दिन अरे अगस्त में कितने दिन होते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त इकतीस दिन होते हैं तो इकतीस दिन अगर होते हैं तो एक काम करो सत्रह अगस्त से काउंट करना है तो आप आ, कितने हो जाएगा जी अगस्त में Uh, सत्रह ध्यान 27, ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टी वन तो पंद्रह दिन तो हो गए आपका अगस्त में पंद्रह दिन अगस्त में फिर सितंबर में हो गए आपका तीस दिन सितंबर में तीस दिन पैंतालीस हो गए पांच हो गया आपका अक्टूबर और प्लस तीन दिन एड किया एट अक्टूबर एट अक्टूबर कितने बचे कितने बचे बोलते कि सर आप बिल्कुल सही हो बिल्कुल सही हो कितने बच्चे बोलते हैं नहीं मुझे आंसर नहीं चाहिए एक पोल रन कर पोल अगर कोई कर सकता तो कि सर अब सही हो या गलत हो दो ऑप्शन दो सही या गलत बस मुझे ये चाहिए। सही या गलत मैंने आठ तारीख बोला है अरे कोई है बदमाश जो बाहर में बैठा हुआ है पोल रेज कर सकता है तो आठ अगस्त या नौ अगस्त मैंने सॉरी माफ कीजिए सही या गलत मुझे दो ऑप्शन चाहिए मुझे पोल में आंसर चाहिए सही या गलत अरे कोई है बदमाश जो बाहर बैठा हुआ है इन पोल बना सकता है मेरे बच्चों के लिए अरे कोई है कोई मेरी बात ही नहीं सुनता कोई नहीं सुनना मेरी बात अनंत देव शर्मा कहते हैं सिर्फ बदमाश का क्या मतलब होता है बदमाश का मतलब होता है अनंत देव शर्मा Uh, अभी आया पोल आपको आंसर देना है कि आपके संतोष सर सही है या गलत है अगर आप बोलते हैं कि सर आप गलत हो तो आप रॉन्ग में आप टिक करेंगे और अगर आप कहते हो कि सर आप सही हो तो आप सही में टिकमा करेंगे अरे ये ये क्या हो रहा है ये इस पर पोल रिवर्स क्यों हो जा रहा है मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत बड़े नालायक हो सही या गलत इस वीडियो पे मैं एक हजार लाइक का टारगेट मैंने फिक्स किया है एक हजार लाइक और एक हजार में अभी बस तीन सौ लाइक हुए हैं जब तक एक हजार लाइक नहीं होंगे ना मैं मैं उठूंगा यहां से ना आपको उठने दूंगा कर लो जो करना है हाँ जी अभी अभी सिर्फ दो सौ बच्चे पोल में हिस्सा लिए हैं बाकी बच्चे दो ना यार

इस बार 74 परसेंट बच्चे बोलते हैं कि सर आप गलत हो और 27 परसेंट बच्चे बोलते हैं कि सर आप सही हो ध्यान देंगे पर बच्चे मैं यहाँ पे बिल्कुल ही गलत था मैं बिल्कुल गलत था और आपको समझ में आना चाहिए अरे कम से कम आप यहाँ पे एक बार ये मेरा नोट भी देख लेते ना रिविजन में तो बात समझ में आपको आ जाती कहते हैं कि जब भी काउंटिंग आप डेज में करते हो डेज में तो डेट ऑफ बिल ड्रोन जिस दिन हमने बिल लिखा है डेट ऑफ बिल ड्रोन इज एक्सक्लूडेड हमने जो बिल आपका जिस दिन लिखा था उस दिन को हम काउंट नहीं करते बदमाश नहीं काउंट करते हैं तो आई है सेवनटीन को हम काउंट ही नहीं करते नॉट काउंटेड वो काउंटिंग किससे आपका होगा सेवनटीन के बाद 18 से शुरू होता है मुझे लगता है कि आप लोग में वो जो पढ़ते हो, में सर आपको नहीं अगर होते हो, तो मैं उनको बुला के यहाँ से आपके बात कराता और, और तब वो पता चलता है जी वीत सर मेरे हिसाब से टैक्स में भी वहां पर जो काउंटिंग है वो सेक्शन थर्टी टू पीजीपीपी आप लोग पढ़ा होगा रेजिडेंशियल स्टेटस भी हाँ करिश्मा कहीं एक है ना जहाँ पे लेकिन अरे करिश्मा इसमें डेट ऑफ बिल कहाँ से आएगा रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर लड़की हम कैसी कैसी बात है अरे रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर में डेट ऑफ बिल ड्रोन कहाँ से आएगा चलो खैर अभी भी शायद है नहीं होते तो फिर मैं आपसे बात करता आइए एनी

डिमांड होगा ऑन प्रेजेंटमेंट प्रेजेंटेशन ऑफ बिल होगा तो फिर उसके हम ग्रेस नहीं लेते वाइल्ड ड्यू डेट ऑफ बिल डेट ऑफ बिल ड्रोन इज एक्सक्लूडेड

जब हमारे पास कोई बिल बी आर और इस बिल का आपका डेट ऑफ बिल ड्रोन डेट ऑफ बिल ड्रोन जिस दिन हमने बिल लिखा है डेट ऑफ बिल ड्रोन और डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड जिस दिन हमने क्या किया है? जी बिल को एक्सेप्ट किया है अगर ये दोनों डेट अलग अलग होते हैं जिस दिन हमने बिल लिखा और जिस दिन बिल का एक्सेप्टेंस हुआ अगर दोनों अलग अलग डेट है मेरे बच्चे दोनों अलग डेट आपका है तो उस केस में हमें यह चेक करना होता है कि क्या वो बिल आफ्टर साइट है या फिर आफ्टर डेट है मैं रिपीट कर दूं एग्जाम में हमेशा होगा हमेशा होगा कि आपको जब डेट ऑफ बिल ड्रॉन और डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेंस आपका दो तो अलग अलग डेट दिया रहेगा अलग अलग डेट दिया रहेगा तो आपको क्या करेगा जी कि उस केस में बताया गया कि बिल आफ्टर साइट बिल है या फिर आफ्टर डेट है अगर बिल आफ्टर डेट होता है अगर बिल पे लिखा होता है, आफ्टर बिल डेट तो कहते हैं कि ड्यू डेट ड्यू डेट इज काउंटेड ये काउंट करते हैं काउंटेड कब से जी फ्रॉम फ्रॉम डेट ऑफ डेट ऑफ बिल ड्रोन जिस दिन बिल लिखा गया था मैं रिपीट कर ने हम में तो अच्छे से पढ़ा हुआ है, 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 है मान लो ये कहता है कि आपका सिक्सटीन अक्टूबर है और ये कहता है कि ट्वेंटी अक्टूबर है जिस दिन उसने एक्सेप्टेंस दिया आपका है ना और कहता है कि बिल क्या आफ्टर डेट है आफ्टर डेट तो ड्यू डेट की काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे यहां से शुरू करेंगे और अगर वो आफ्टर साइड बिल कहता है आफ्टर साइड बिल कहता है तो हम कहां से काउंटिंग करते हैं यहां से कहता है ये आपका विन कहते हैं कि विन बिल इज एक्सेप्टेड। जब बिल आपका एक्सेप्ट हुआ, तब से क्या होगा काउंटिंग होगा ये बात सिर्फ तभी रेलिवेंट है जब आपका बिल बिल एंड एक्सेप्टेड दोनों ही अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो तो वहां पे एग्जामिनर को मेंशन करना होगा बिल आफ्टर डेट है कि आफ्टर फाइट है अगर आफ्टर डेट होगा तो काउंटिंग कब होगा जी डेट ऑफ बिल ड्रोन से और अगर आफ्टर साइट होगा तो काउंटिंग कब होगा डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड से ये बात ध्यान है आपको ये सर ये बातें मैंने आपको बता दिया ये सर बस अब हम आगे आपके उस न्यूमेरिकल पार्ट पे जहां पे आपको बड़ा मजा आने वाला है हमको इसको समझना पड़ेगा तरीके से समझ के और फिर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके हम आगे बढ़ेंगे चलिए जरा आ जाओ एक बार यहां पे एक बार चेक करेंगे आप कि रिवीजन ऑफ जनरल एंट्रीज इनकेस बिल ऑनर्ड याद कीजिए हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे अनगिनत क्वेश्चन पहले मैंने क्या किया था जी एक करा था कि बिल अगर मान लो लिखा गया और ऑनर्ड हो हो गया गया ड्यू डेट पे पेमेंट हो गया तो फिर क्या एंट्री करेंगे फिर का हमने पढ़ा था फिर बिल होने के के बाद आगे के पढ़े थे फिर हम आए थे म्यूचुअल के अंदर में तो वो सारी बातें हम यहाँ पे समझने वाले हैं फटा फटाफट अरे बदमाशो आप लोग मैसेज पे कम ध्यान दीजिए अदरवाइज काम खराब होगा ये मैसेज मैसेज जितना भी चल रहा है ना यहाँ पे वो सब एग्जाम में आपका निकलने वाला है इसलिए पूरा का पूरा फोकस यहाँ कीजिए संदीप को क्या भेज दूंगा बदमाश पहले यहां करेंगे याद कीजिए जब गुड्स को सेल करते थे मान लो यहाँ पे क्या है जी एक्स आपका ड्रोवर है यहाँ पे एक आपका कौन है ड्रोवर है और वाई हमारा कौन है ड्रोई है ड्रोई तो जब गुड्स को सेल करते थे तो यहां पे ड्रॉर क्या बोलेगा हमने सेल किया उतना पैसा वाई से लेना है तो हम यहाँ पे याद कीजिए हमने क्या किया कि वाई के नाम को हटा दिया और बी को बढ़ा दिया यानी कि इसका मतलब हो गया कि वाई खत्म अब हम बोल रहे हैं कि भैया जितना सेल किया उतने का बिल हमारे पास आ चुका है उतने का बिल हमारे पास आ चुका है अगर इस बिल को आपने अपने पास रखा है टिल मेच्योरिटी तो हम कोई एंट्री पास नहीं करते थे क्योंकि बिल ऑलरेडी हमारे पास दिख रहा है तो अपने पास रखने का दोबारा अलग से क्या एंट्री करेंगे कोई एंट्री नहीं बनेगा किसके बुक में सिख रहे हैं ड्रॉअर के बुक में लेकिन जब इस बिल को आप मेरे बच्चे डिस्काउंट करते थे डिस्काउंट करने का मतलब कि बिल बैंक को बेच देना तो जब बिल आपका बैंक को बेचा जाता तो पता हम क्या करते थे हमने बिल को हटा दिया अब जो बिल हमारे पास था ना ये बिल बी अकाउंट उसको हमने क्या किया हटा दिया क्रेडिट कर दिया

तो बिल हमारे पास से चला गया और इंडोर्स किसको करेंगे क्रिएटर को जिससे हमने कर्ज लिया था तो क्रिएटर की हमारी लायबिलिटी क्या हो जाती थी कम हो जाती थी इसमें करते समय हम लोगों ने कई सारे केसेस पढ़े हैं आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होता है कि मान लो बिल जो हमारे पास था नजर यहां नजर यहां अगर मान लो बिल हमारे पास जो था वो सपोज दैट कि ₹50000 का था फिफ्टी थाउजेंड का और हमने बिल क्या किया जी क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिया तो बिल तो हमारे पास से कितने का फिफ्टी थाउजेंड का ही जाएगा लेकिन आपको देखना होगा कि क्रेडिटर का लाइबिलिटी हमारे बुक में कितने का था अगर क्रेडिटर की लाइबिलिटी हमारे बुक में पहले से फिफ्टी थाउजेंड की थी तो लाइबिलिटी क्या जी पूरे फिफ्टी से खत्म हो जाएगा लेकिन मेरे बच्चे अगर क्वेश्चन कह दे कि फिफ्टी थाउजेंड का बिल हमने इंडोर्स कर दिया लेकिन जिसको इंडोर्स किया उससे हमें उसको हमें फिफ्टी फाइव पे करना था फिफ्टी फाइव पे करना था और इन फुल सेटलमेंट तो याद कीजिए हमने क्या किया था कि बिल तो हमारा फिफ्टी का जाएगा लेकिन फुल सेटलमेंट यानी कि की कितने से खत्म होगी से और का जो हमें डिस्काउंट मिल गया हम उस डिस्काउंट को अपना इनकम के रूप में दिखाते थे पांच हजार का हमें क्रेडिटर ने डिस्काउंट दे दिया ये एंट्री होती थी अगर मेरे बच्चे अगर हमारे पास तीसरा केस हमने समझा था कि बिल अगर मान लो हमारे पास फिफ्टी थाउजेंड का है क्रेडिटर जो हमारे पास है 55,000 के लेकिन क्रेडिटर को हमने बिल दिया फिफ्टी का इन पार्ट सेटलमेंट तो हमने कहा था कि पार्ट सेटलमेंट का मतलब होता है कि जितने का आप बिल दे रहे हो उतने से ही हम लाइबिलिटी खत्म करेंगे बाकी जो क्रेडिटर रह जाएगा उसको हमें बाद में पेमेंट करना होगा उसको कब पेमेंट करेंगे कैसे वो बात का है हमें यहाँ कोई मतलब नहीं बनता ठीक है ना तो ये बातें हम इस बात को ध्यान रखेंगे ये सारी आपका अगर बिल हम बैंक को देते थे कलेक्शन करने के लिए तो जो बिल हमारे पास था वो चला गया और हम किस नाम को डेबिट करते थे बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है ये किस टाइप का अकाउंट है तो कोई मुझे बताएगा कि अगर एग्जाम में आ जाए कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन ये आपका किस टाइप का ये आपका एसेट है आपका ये लाइबिलिटी आपका यानी कि फॉर्म का ये आपका एक्सपेंस है या फिर आपका रेवेन्यू है तो आप मुझे बताइए कहां टिकमा करेंगे ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन आपका क्या बोला जाएगा बच्चे ये क्या है आपका ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन फॉर्म का क्या है ये एसेट है है ना क्योंकि जो बिल हमने बैंक को दे दिया हमारा बिल बैंक के पास पड़ा हुआ है तो बैंक के पास जो हमारा बिल पड़ा हुआ है हम उसको क्या बोलते हैं जी यहाँ पे आपका एसेट बोलते हैं और किस टाइप का नेचर बता दो तो इसको हम बोलेंगे क्या जी आपका रियल अकाउंट है क्योंकि हमारा ये एसेट होता है रियल अकाउंट ठीक है ये एग्जाम में बोन बन सकता है तो इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है तो हमने क्या किया बिल सेंट फॉर कलेक्शन के बारे में भी आपको बता दिया, ये दिया आपको तो। फिर बिल जो आपने मतलब क्या ड्यू डेट पे मैं बिल लेकर गया भैया ऑडिटर के पास, बोला कि डेटर के पास ये बिल लो पैसा दो उसने पैसा दे दिया तो जो बिल हमारे पास पहले से था ये बिल हमने उसको हटा दिया और कैश हमारे पास आ गया अगर मेरे बच्चे बिल आपने जो पहले यहाँ पे डिस्काउंट कराया था, बिल जो आपने यहां पे नहीं करेंगे। क्यों हमारे पास है नहीं तो बिल को का पैसा कल करके बैंक अपने पास रखेगा हमें कभी पैसा नहीं देता तो हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते हमारे बुक में कुछ भी नहीं होता आपका अगर बिल को हमने भेजा था कलेक्शन करने के लिए माफ कीजिए सॉरी पहले बिल हमने इंडोर्स किया था हमने क्रिएटर को दिया था और क्रिएटर ने जाके पैसा कलेक्ट कर लिया तो भी हम फिर से क्या करेंगे नो एंट्री नो एंट्री अच्छा मैंने यहां पे बिल डिस्काउंटेड और इंडोर्स दोनों में बता दिया एक साथ में ही नो no एंट्री इन दोनों ही केस में चाहे ये केस आ जाए मेरे बच्चे चाहे ये केस ड्यू डेट पर हम कोई एंट्री पास नहीं करते क्योंकि बिल हम पहले हमारे पास से जा चुका है हाँ अगर वो कहता है कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन है अगर वो कहता है कि जो बिल हमने कलेक्शन के लिए भेजा था जो हमने बिल यहां पे कलेक्शन के लिए भेजा था याद कीजिए जब बिल आपने कलेक्शन के लिए भेजा था तो किस नाम को डेबिट किया था बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट

ना इसी के पैरेलल हमारे एग्जाम में एंट्री बोल सकता है कि आप एंट्री कीजिए किसके बुक में जी ड्रोवी के बुक में एग्जाम में मेरे बच्चे ड्रॉवर एंड ड्रोई दोनों के बुक में एंट्री आ सकता है सिर्फ ड्रोई के बुक में भी एंट्री आ सकता है सिर्फ ड्रॉवर के बुक में भी एंट्री आ सकता है तो बड़े ध्यान से आपको समझना पड़ेगा

मेरे बच्चे आप जानते हैं कि बिल को आप रखो टिल मेच्योरिटी, बिल को आप डिस्काउंट करो बिल को आप इंडोर्स करो चाहे बिल को आप सेंड करो कलेक्शन के लिए इन ऑल द केसेज यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं होती क्योंकि हमारी लाइब्रेटी इन एनी सर्कमस्टांसेज इस बिल के अगेंस्ट है बिल जो भी लेकर आ जाएगा हम उसको पेमेंट कर देंगे आप बिल को डिस्काउंट कर रहे हो इंडोर्स कर रहे हो कुछ भी करो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम यहाँ पे कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे इन एनी केसेज आपका कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर इसके बाद मेरे बच्चे बिल अगर आपने कैप्ट किया था ध्यान दीजिए बिल आपने रखा था मेच्योरिटी uh, तक एंड ऑनर्ड हो गया या बिल आपने डिस्काउंट किया था ऑनर्ड हो गया या आपने इंडोर्स किया था ऑनर्ड हो गया या बिल सेंट फॉर कलेक्शन था ऑनर्ड हो गया इन एनी केसेस कोई भी केस हो ड्रोवी हमेशा क्या बोलेगा मेरा बीपी खत्म हो गया मैं बीपी को क्या करूंगा जी देखो डेबिट कर दूंगा और इन कैसे हम क्या करेंगे पेमेंट करने की एंट्री करेंगे पेमेंट करने की एंट्री टू कैश या टू बैंक कुछ भी कर सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं आपकी मर्जी आपका तो मुझे तो ये लगता है कि यार के बुक में अगर एग्जाम में एंट्री आ जाए तो आपसे ज्यादा खुश नसीब दुनिया कोई का कोई इंसान होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है एक परचेज करने का एक बिल लिखने का एक बिल पेमेंट करने का खत्म हो गया बात हा ये, ये गर्व गरु सचदेवा क्या लिख रहा है मेरा बीपी परमानेंट खत्म क्या खत्म हो गया बदमाश है अभिषेक आनंद बच्चे और ये ये गर्व क्या लिख रहा है उल्टी सीधी बातें आइए तो ये भी हमने खत्म किया अरे एक बार जल्दी से आंखें बंद करो ना मैं इसको हटाता हूं आंखें बंद करो आंखें बंद करो और जरा बताओ आंखें क्या बंद करना क्वेश्चन रखा है ना वहीं से देख लेंगे यार ठीक है ये तो ऑनर्ड केस थे क्या होगा अगर बिल आपका डिसऑनर्ड हो जाता है क्या होगा अगर बिल डिसऑनर्ड होता है मेरे बच्चे तो एक्स यानी जो ड्रॉवर है जो फर्म है यहाँ पे एक्स जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो कसम खा लो वो वाई के अकाउंट को क्या करेगा डेबिट करेगा चारों ही केस में बिल चाहे आपने कुछ भी किया था वो हमेशा क्या, क्या करेंगे करेंगे वाई वाई के नाम को डेबिट का उसको हटा देंगे टू बी और अगर हमने कोई नोटिंग चार्ज पे तो टू कैश अकाउंट इसी एंट्री में नोटिंग चार्ज छोटा मोटा अमाउंट होता है तो हमेशा कैश में जाता है टू कैश अकाउंट करेंगे आप ठीक है ना अगर बिल आपने डिस्काउंट किया था बिल डिस्काउंट किया था और डिसऑनर्ड हो गया तो हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे वाई से हमें पैसा लेना होगा जी उस बदमाश ने डिसऑनर्ड कर दिया और अब हमें पैसा किसको देना होगा बैंक को देना होगा क्यों बैंक को देना होगा क्योंकि बिल हमने बैंक को बेच दिया था बैंक ने हमें पहले पैसा दे दिया था बैंक को पैसा मिला नहीं तो हमसे क्या करेगा पैसा ले लेगा इसको समझने के लिए या तो यह समझ लो कि बैंक ने उतना पैसा मेरे बैंक से निकाल लिया माइनस कर लिया कितना पैसा ये हमेशा आपका होता है जो बिल अमाउंट रहेगा वो और प्लस नोटिंग चार्जेस अगर बैंक ने कुछ पे किया तो उतना पैसा हमारे अकाउंट से निकालेगा और हम उतना पैसा क्या करेंगे वाई से लेंगे आपका ठीक ना ये निकल के आपका आ गया। अगर बिल हमने इंडोर्स किया था मेरे बच्चे अगर हमने बिल इंडोर्स किया था और फिर डिसऑनिड हो गया तो वाई को हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज और क्रेडिटर को हम क्रेडिट करेंगे कितना अमाउंट जितने कर्ज उसने खत्म किया था स्टार्टिंग में प्लस नोटिंग चार्ज का अमाउंट है ना और अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन था तो वाई को डेबिट किया हमने पहले बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट किया था उसे क्रेडिट करेंगे नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किया होगा हमारे अकाउंट से माइनस कर लिया होगा तो टू बैंक अकाउंट यहां पे टू कैश मत कर देना ये टू बैंक का मतलब होता है कि नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किया था उतना पैसा हमारे अकाउंट से उसने माइनस कर दिया ये चार केसेस निकल के आता है तो हमने कहा कि याद रखना अगर बिल आपका ऑनर्ड हो गया तो ये सारी बातें और अगर बिल मेरे बच्चे डिसऑनर्ड हो गया डिसऑनर्ड हो गया तो उस केस में ड्रोवर के बुक में इन चार में से कोई एक एंट्री बनेगा इन एनी सर्कमस्टांसेज हम लोग क्या करेंगे जी यहाँ पे वाई को डेबिट कर रहे हैं वाई को डेबिट कर रहे हैं बिल हमारे पास था टू बी आर बिल बैंक से डिस्काउंट किया थाउंटन था नोटिंग चार्ज यहाँ पे ऑलरेडी मिला हुआ इसमें मिला कि पे किया होगा। यहां पे, हमने पे किया तो टू कैश अलग से दिखा देंगे और यहाँ पे नोटिंग चार्ज बैंक ने पे किया होगा तो टू बैंक अकाउंट दिखा देंगे ठीक है मेरे बच्चों मेरे बच्चों ठीक है ये तो एंट्री था किसका एक्स के बुक में अगर हम वाई के बुक में एंट्री करते हैं ड्रोवी के बुक में तो सुनो सुनो मेरी बात ड्रोवी ने ड्रोवी सिर्फ एक ही नाम को जानता था मेरे बच्चे ड्रोवी को एक ही चीज पता था कि भैया हमने क्या किया था पेमेंट नहीं कर रहे हैं और दोबारा बढ़ा देगा आपको इंडोर्स किया था डिस्काउंट किया था क्या किया था उससे कोई मतलब ही नहीं उसको किसी भी हालात में तो देखो ना कि वाई के बुक में क्या होगा इन ऑल द फोर केसेज वो बीपी को डेबिट करेगा

आफ्टर आफ्टर वो क्या था वो क्या था मैं सॉरी uh, डिसऑनर्ड uh, 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 के टाइम पे एट द टाइम ऑफ डिसऑनर्ड ऑनर्ड की एंट्री ऊपर में देख लिया डिसऑनर्ड की एंट्री हमने यहां पर देख लिया अब उसके बाद मेरे बच्चे हम आ गए आफ्टर डिसऑनर्ड आफ्टर डिसऑनर्ड याद कीजिए आप याद करो आफ्टर डिसऑनर्ड क्या होता था वो ड्रॉवर एंड ड्रॉई दोनों बैठते थे बैठकर आपस में नेगोशिएशन होता था उस के में जो है वो कहता था कि कुछ पेमेंट में तैयार हूं और बाकी के लिए आप नया लिख दो। जब हम नया बिल लिखते थे तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी हमें उनसे चार्ज करना होता था और उन्ही बातों को मैंने यहां पे दिखाया है कि देखो जी आफ्टर मैंने लिखा नहीं क्या ये आपका आ गया आफ्टर डिसऑनर्ड है इसको अब लिख देना आप

लास्ट में मान लो इंसॉल्वेंट हो गया अभी मैं क्वेश्चन भी मैंने रखा हुआ है तो याद कीजिए इंसॉल्वेंसी अगर वो वाई इंसॉल्वेंट हो गया जितना पैसा हम लिया करते थे हम कैश को डेबिट करेंगे जो पैसा डूब गया अब हमें कभी नहीं मिलेगा बैडेट अकाउंट और इस वाई के नाम को हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे

ठीक है ना तो मेरे बच्चे इस तरीके से ड्रॉवर के बुक में के बुक में जितनी सारी एंट्रीज एग्जामिनर बना सकता है उन सबको मैंने यहां पे बताया लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आप मतलब अच्छी तरीके से समझे होंगे इसलिए मैंने यहां पे क्या किया एक प्यारा सा क्वेश्चन भी उन सारे केसेज को कवर करते हुए यहाँ पे आपके लिए रखा हुआ है और फिर हो आगे बढ़ेंगे तो मैं तब तक ना संदीप कहता है सर क्वेश्चन पूछिए पूछता हूँ बदमाश पांच क्वेश्चन बोला है ना पांच में पा भी एक ही पूछा ना अभी मेरे पास चार क्वेश्चन भी है ना मैं पूछूंगा आपसे सर इंटरेस्ट एंड बिल के एंट्री मर्ज, मर्ज कर सकते हैं नहीं मेरे बच्चे तन में हमेशा पहले इंटरेस्ट की एंट्री इंटरेस्ट एक एंट्री आप हमेशा अलग करेंगे और नया बिल लिखने की एंट्री हमेशा अलग करेंगे जीत घोष कहते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यू डेट एंड मेचोरिटी डेट डिफरेंस बच्चे मेरे सब सीए वाले बच्चों में है आप में नहीं है मैंने उनके क्लास में कराया हुआ मुझे ध्यान नहीं आ रहा है रेगुलर क्लास में कराया होगा वो उसको कवर नहीं किया है अभी गौरव सचदेवा कहते हैं सर क्वेश्चन आपके बुक के मस्त हैं मैंने सारे कंप्लीट कर आपके बुक से गुड मेरे बुक से बदमाश अगर कंप्लीट कर लिया है तो आपके इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन हो चुका है एग्जाम ने पिछले पचास साल में जो क्वेश्चन पूछा है या जो अगले सौ साल में पूछ सकता है वो भी मैंने कवर किया हुआ है तो बस नीले कहते हैं है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको टफ बनाते हैं कि क्या बनाते हैं नहीं लिपु अमृत नहीं है ये आदित्य तीन बार कर चुका है बुक को गुड रेक्टिफिकेशन एरर में इशू है थोड़ा सा तो मैं नहीं हो सकता अभी रिवीजन भी कराऊंगा उसका इसके बाद जो अगला चैप्टर का रिवीजन होगा वो है कंसाइनमेंट अकाउंट मैं अपने बुक में जो सिक्वेंस ना उसी को फॉलो करते चला जा रहा हूँ और इसी बीच में मेरे हिसाब से कमिंग वीक के अंदर में आप लोग का मैराथन भी आ जाएगा जो चैप्टर्स लाइव नहीं हो पाएंगे उन सबका मैं मैराथन भी रिकॉर्ड करके अब आपको चैनल पर ले कर तो कुछ चैप्टर्स आप मेरे साथ यहाँ पे लाइव करेंगे जो लाइव नहीं हो पाएगा वो मैराथन में करेंगे मस्त तरीके से एग्जाम आपका जाएगा चलो लोकेश एग्जाम के लिए अमृत दे रहा हूं बदमाश इस अमृत से आपको कुछ नहीं मिलने वाला ये जो अमृत दे रहा हूं ना अभी जो दिमाग में आपका बैठा जा रहा है वो अमृत है आपका एक पवन है पवन वो एबीसी एनालिसिस मांगता है मुझे खास उन बच्चों से दुश्मनी होती है जो एबीसी एनालिसिस मांगते हैं कि सर कौन सा चैप्टर करूं कौन सा ना करूं ये सब बदमाश कहां से सुन लेता है प्रोफेशनल कोर्स में आके एबीसी मांगता है चलो जी आगे बढ़े बच्चे आगे बढ़ो बच्चे नहीं गोविंदा चेंज नहीं किया पिछले डेढ़ सौ साल से इसी बोतल में पी रहा हूं और आप यही एक्सपेक्ट करो कि दो सौ साल से ही पीते रहूंगा ये सनातनी वर्ल्ड बदमाश ट्वेल्थ क्लास की वीडियो यहां पे सीएमए के चैनल पे क्यों बात कर रहा है वो जाके अपने सीओ कॉमर्स स्कूल देखो ना वहां पे आपको दिखेगा वहां पे बात करेंगे आइए आइए अब सुनो मेरी बात मेरी बात सुनो मैंने एक क्वेश्चन यहां पर रखा हुआ है ये सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए और मेरे साथ सुनेंगे एक-एक बात एक-एक बात और एग्जाम में कौन-कौन सी बात ध्यान रखना वो भी ध्यान देंगे <laughs> कहता है कि फर्स्ट अप्रैल 2023 1 अप्रैल 2023 कहता है यहां पर सीओसी लिमिटेड सीओसी नाम तो सुना ही होगा सीओसी लिमिटेड सोल्ड फॉर फिफ्टी थाउजेंड टू आलोक गुड्स जो थर्टी फाइव का था फर्क नहीं पड़ता सेल की एंट्री करना जितने पे हम सेल करते हैं उससे एंट्री करते हैं तो सेल हम फिफ्टी थाउजेंड से एंट्री करेंगे सीओसी रिसीव्ड टेन थाउजेंड इमिडियटली क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया

फिर कहता है कि फोर्थ में 2023 को मैंने बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन बनाया बिल को बैंक से डिस्काउंट कर लिया ट्वेल्व परसेंट पोएम के हिसाब से आपका ठीक है ना ऑन द ड्यू डेट ऑफ बिल कहता कि आलोक वॉज नॉट एबल टू पे द बिल कहता कि जब डेट आया इस बिल का कब आया होगा जी जरा बताओ 4th में को बिल, नहीं बिल कब लिखा गया था 1 अप्रैल को हमने क्या किया डेट मेरे साथ पहले देखिए पहले आंसर ही पहले डेट देखेंगे आप यहां मेरे साथ आपने क्या किया एग्जाम में देखना है कि भैया 1 अप्रैल को हमने क्या किया यहाँ पे आपका बिल लिखा है आ, सेल किया है और उसी दिन हमने बिल लिखा था तीन महीने का तो 1 अप्रैल से 3 महीना 1 में 1 जून 1 जुलाई 1 जुलाई

ये डिस्काउंट क्या क्या ये ड्यू डेट आपका ठीक है आफ्टर नेगोशिएशन नेगोशिएशन हुआ फोर्थ जुलाई से और छह दिन का समय लग गया कहता है कि टेंथ जुलाई को आलोक अग्री टू पे 40 परसेंट ऑफ ड्यूज इमिडिएटली एंड टू एक्सेप्ट एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट फॉर वन मंथ एक महीने के लिए आपका नया बिल लिखा जा रहा है अच्छा मैंने इंटरेस्ट का बात यहाँ नहीं किया क्या मैं इंटरेस्ट ऐड कर इंटरेस्ट होना चाहिए था ऑन द ड्यू डेट कहता है ऑफ रिन्यूट बिल जब बिल जो इसका ड्यू डेट आया तो टेंथ जुलाई से एक महीना टेंथ अगस्त और कहता है कि जब ड्यू डेट आपका आया तो आलोक बिकेम इंस्टॉलमेंट और एट्टी अमाउंट सिर्फ रिसीव कर पाए

और जो आपका ड्यू डेट है फोर्थ जुलाई उसमें कितने समय है तो फोर्थ में से फोर्थ जून फोर्थ जुलाई दो महीना यानी कि महीना मेरे बच्चे बिल यहां पे क्या रहा 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 हमारे पास पास आपका मतलब कि बैंक के महीने ना ना बोलो ना, 4th में से 4th जुलाई कितना हो गया दो महीना आपका हो गया क्योंकि फोर्थ में से अगर देखें हम आपका तो यहाँ पे हमने बिल डिस्काउंट किया है और फोर्थ में को बिल हमारा बैंक के पास चला गया एंड फोर्थ जुलाई तक रहेगा तो कितना हो गया दो महीना आपने क्या करना है कि यहां जो डिस्काउंट चार्ज कटेगा वो कितने का दो महीने का कैसे डिस्काउंट निकालेंगे हम लोग जी तो फोर्टी थाउजेंड का बिल रेट ऑफ डिस्काउंट क्वेश्चन कितना बता रहा था ट्वेल्व परसेंट यानी कि ट्वेल्व बाई हंड्रेड और आपका दो महीना टू, टू जितने समय बिल बैंक के पास रहेगा उतने समय का तो ये कितना क्या किया कि ये भी काम खत्म किया फोर्थ जुलाई को मेरे बच्चे यहाँ पे क्या बता रहा है कि अब ये बिल आपका डिसऑनड हो गया तो बिल जो हमने डिस्काउंट किया था वो डिसऑनर्ड हो गया जो डिस्काउंटेड बिल अगर डिसऑनड होगा तो हम क्या करेंगे कि बिल यानी कि हमारे पास से आपका आ, आ, ये माफ कीजिए आलोक को हम डेबिट करेंगे दोबारा और टू बैंक अकाउंट क्योंकि जो बिल डिस्काउंट कर दिया अगर डिस्काउंट होता है तो हम क्या करते हैं टू बैंक अकाउंट ऊपर मैंने बताया आपको यहां पे तो आलोक टू तो आपका बैंक हो गया अब छह दिन के बाद क्या हुआ कि आपने फोर्टी में से आपने क्या क्या फोर्टी इसका 40% यानी कि 40,500 का 40

जैसे यहां पे हमने क्या किया जो बिल डिस्काउंट किया ना हमने फोर्थ मे को किया अगर मान लो फोर्थ मे के जगह पे फर्स्ट मे को भी करते ना फर्स्ट मे को भी फर्स्ट मे को भी तो भी आप क्या करते हैं इंटरेस्ट दो महीने का ही निकालते हैं मतलब पीरियड ऑफ बिल अगर मान लो मंथ्स में दिया हुआ है तो आप इंटरेस्ट क्या कीजिए तो डिस्काउंट चार्ज क्या कीजिए मंथ्स में निकालिए वो एक दो दिन को इग्नोर कीजिए ठीक है ना लेकिन पीरियड ऑफ बिल अगर डेज में दिया गया है तो हम पूरे उस डेज का निकालेंगे उतने डेज का इंटरेस्ट निकालते हैं हमने क्लास में प्रॉपर तरीके से सीखा हुआ है मैंने आपको बताया हुआ है ठीक है तो ये सीओसी के बुक में हमने क्या-क्या एंट्री कर दिया ना कम टू आलोक की बुक में आलोक क्या करेगा जी आलोक तो आप देखिए आपने फेल किया हमने परचेज किया बताओ ये परचेज करने की एंट्री कितने से करेगा 50000

तो यहां पे एंट्री गलत है सही कर रहा हूं मैं जब भी आपका डिस्फोन होगा तो बीपी कितने का था फोर्टी थाउजेंड का ये फोर्टी थाउजेंड होगा और हम क्या डेबिट करेंगे नोटिंग चार्ज नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट आपका होगा है ना नोटिंग चार्ज कितना फाइव हंड्रेड अमाउंट और टू सी फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड है ना? ये तो हुआ बिल जितना बच्चे, आपका था, वही तो कि को मैं इतना पे करूंगा इसमें से मेरे बच्चे फोर्टी परसेंट जो पैसा हमने पे किया उसकी हमने एंट्री की और सिक्सटी परसेंट का हमने नया बिल लिखा वो एंट्री हमने किया ये बिल आपका डिविडेट पे आके डिसोनर हो गया तो हम डिसोनर में फिर से क्या करेंगे ये ट्वेंटी फोर थ्री हंड्रेड को डेबिट करके ट्वेंटी कर परसेंट क्या क्या? तो चला, कर चला गया काम हमारा पूरा हो गया ये सारी बातें हमने ऑलरेडी क्लास में अच्छे से पढ़ी हुई है मैंने यहाँ पे तो आपको समझा दिया इसमें कोई डाउट आपको इसमें कोई डाउट बचे जो थ्योरी में हम लोगों ने वहां पे आपका पढ़ा उन सारी बातों को प्रैक्टिकली मैंने आपको यहां पे बताया अभाष सिंह कहते हैं सर लेकिन इंस्टीट्यूट की बुक में मंथ वाले में भी डेज से डिस्काउंट निकाला है वो कहीं कहीं पे निकालते बच्चे वही ना वो इंस्टीट्यूट इसीलिए तो मुझे बहुत गुस्सा आता है उनके उनके बुक में कहीं पे डेज में निकालते हैं कहीं मंथ्स में निकालते हैं आप एक ही प्रिंसिपल बनाइए एक ही प्रिंसिपल की अगर बिल का पीरियड आपको मंथ्स में दिया हुआ है मंथ्स में तो आप क्या करें कि मंथ्स में ही आप डिस्काउंट निकालें में निकाले जब तक वो कुछ और सन डेज ना दे दे मान लो कहता है कि दस तारीख को बिल डिस्काउंट किया या बारह तारीख को डिस्काउंट किया या पंद्रह तारीख को किया तब तो डेज में निकालिए लेकिन जिस दिन बिल लिखा गया मान लो फर्स्ट अप्रैल को तो फर्स्ट अप्रैल को ही बोलते डिस्काउंट कर ले या फोर्थ अप्रैल को फर्स्ट या फोर्थ ये ये डेट दो, दो में इसको एक बोलता है तो फिर डेज को आप इग्नोर करना मंथ्स में निकाल देना लेकिन अगर पीरियड ऑफ बिल आपका डेज में दिया गया है डेज में दिया गया है, तो हमेशा डिस्काउंट चार्ज भी होगा जो हम डेज में ही निकालेंगे फिर वहां पे एक एक दिन काउंट करेंगे जैसे काउंटिंग आप करते हैं हैं ठीक है ना इस बात को ध्यान रखेंगे आ, पार्थ कहते कि सर फोर्थ जुलाई बिल वाला फिर से एंट्री क्यों बदमाश फोर्थ जुलाई को जब बिल डिस्काउंट हुआ अभी तो बताया था जो बिल आप डिस्काउंट कर चुके हैं ये देखिए आप यहां पे जो बिल आप डिस्काउंट कर चुके हैं अगर आप बिल डिस्काउंट कर चुके हैं फिर होता है। तो हम क्या करते हैं आप हमेशा क्या करते हैं जी वाई का नाम डेबिट करेंगे वाई मतलब कि जो आलोक है यहाँ पे आलोक का नाम डेबिट होगा एंड टू बैंक अकाउंट क्योंकि अब पैसा में बैंक को देना होगा वही एंट्री हमने किया ठीक है ना तो ये बात मैंने आपको यहां पे बता दिया अब मैंने यहां पे खास कुछ क्वेश्चन निकाले हैं जहां पे बच्चे परेशान होते हैं और हमने बोले क्लास में इसको पढ़ा हुआ है और मैंने बड़े अच्छे तरीके से पे आपका रखा हुआ है ताकि आपको में किसी तरीके का दिक्कत ना हो इसको समझने में ठीक है ना ये एग्जाम के लिए मेरे बच्चे हो सकता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए ऐसा क्वेश्चन क्लास में हो सकता है कि आपको दिख जाए एग्जाम में एग्जाम में दिख जाए इसलिए आप अच्छे तरीके से तैयारी करें हमने क्लास में क्वेश्चन किया हुआ है सुनिए ध्यान से आपको आजकल एक ट्रेंड चल रहा है हम सी एस सी एम एग्जाम के अंदर में कि वो

है ना यानी पंद्रह 1550 पचास रुपए का हमें बस इसकी एंट्री पास करनी इसकी एंट्री पास करनी है तो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे ये आपका, ये देखिए देखिए आपका मैंने क्या किया मेरे बच्चे यहाँ पे हमने एक तो ये जो ओल्ड बीपी है ये ओल्ड बीपी है खत्म होगा तो हमने क्या किया बीपी अकाउंट को डेबिट कर दिया ओल्ड वाला हटा दिया हमने ये ओल्ड बीपी कितने से डेबिट हो गया ट्वेंटी फाइव हंड्रेड से ठीक है ना और हम उसको क्या पे करने वाले हैं इंटरेस्ट पे करने वाले तो जितना कैश पे कर दिया टू कैश नो, जो नया भी लिखा टू बीपी आपका हो गया हो गया क्वेश्चन आपका निकल गया आपका तो एग्जाम में आपको क्या करना है? इसकी एंट्री पास करनी अगर कोई बच्चा एग्जाम में इसके जगह पे दो एंट्री पास करता है एक एंट्री करता है बीपी टू कैश एक ही एंट्री पास करना दो एंट्री करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है मीनिंग यही निकल के आना चाहिए फटाफट ये बात समझ में आई जी ये बात क्लियर हुआ बदमाशो अरे कोई है यहां पे बोलने वाला कब कभस, कब से चिल्ला रहा हूं कोई है जो बोल रहा है कि हाँ ये समझ में आया कि नहीं आया अरे समझ में आया पवन किसके बुक में करेंगे कैसे पता करूंगा पवन बदमाश ये लिखेगा ये यह देखो यहाँ मैंने गोले में चक्रव्यू में भी डाला था कैटरक के बुक में एंट्री करना है वो हमेशा बोलेगा किसके बुक में एंट्री करनी है वो हमेशा बोलेगा कैटरक के बुक में एंट्री करो सुनना पवन पवन मेरी बात सुन रहा पवन बोलता क्यों नहीं गुड इसके बाद आइए जरा आपका यहाँ पे सेकंड वाला सेकंड वाला हमेशा ये तरीका बता रहा हूं कि जब भी आपको एक इंडिविजुअल एंट्री बोलेगा ना तो ऐसे क्या करो इसको आप लेकर बहुत अच्छा तरीका होता है अब जैसे सेकंड वाला आपका सेकंड वाला देख लो आप सेकंड वाला अब पता नहीं मुझे क्यों इंटरेस्ट हो रहा है कि यार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ, आ जाए कहीं आपका जी गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर फोर थाउजेंड विच वॉज इंडोर्स बाई कैटर टू मेहता ये रहा हमारे पास एक कैटरक है ठीक है ना एक हमारे पास कौन है जी गुप्ता जी है जी गुप्ता यानी कि गुप्ता जी पहले यहां पर तो आप देखो कैटरेक के लिए गुप्ता का एक्सेप्टेंस है ना इन्होंने एक्सेप्टेंस दिया है यानी कि इनका बीपी इनका क्या हो गया बीआर हो गया ये कितने का बीआर है फोर थाउजेंड का ये फोर थाउजेंड का कहता कि कैटरक ने ये इंडोर्स कर दिया एम मेहता को कोई मेहता जी हैं कोई मेहता बिल्कुल ऐसे दिमाग लेके चलो और ये बिल क्या हुआ जी कैटरक ने अपने पास से इनको दे दिया तो ये बिल इनके पास जा चुका है फोर थाउजेंड रुपीज का हमारे पास से खत्म हो चुका है मतलब इनसे एक बिल लिया था और वो बिल हमने क्या किया मेहता को इंडोर्स कर दिया है कहता कि डिसऑनर्ड हो गया ओ जब डिसोनर्ड हो गया मेरे बच्चे तो बताओ कैटर क्या एंट्री करेगा ये क्या करेगा गुप्ता से पैसा अब लेगा तो गुप्ता फिर से डेबिट कर देगा पढ़ाना भी आपने और हम पैसा किसको अब देंगे मेहता को जिसको हमने इंडोर्स किया था

थर्ड वाला थर्ड थर्ड के आंसर मैंने यहाँ पे गलत दिया है मैं सही करता हूँ थर्ड में आइए जरा एक बार एक बार मुझे बताओगे मैंने यहाँ गलत आंसर दिया है अगर आप देख लोगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि एंट्री यहाँ गलत है कोई मुझे बताएं जरा मुझसे पहले कि थर्ड का आंसर क्या होगा आप मुझे बताएं कि थर्ड आंसर क्या होने वाला है थर्ड आंसर आप आप मुझसे पहले करने की कोशिश करो ना देखता हूं कि आप ऐसे सोचते हो दलाल रिटायर अ बिल फॉर 2000 ड्रोन ऑन हिम बाय कैटरक ये रहा हमारा कैटरक जिसके बुक में हमें एंट्री करना है और एक बंदा रहा हमारा दलाल ठीक है ना तो इन्होंने बिल क्या-क्या ड्रा किया है तो एक बीआर इनके पास था कितने का जी 2000 का और इस बिल का पेमेंट पहले मिल गया पहले मिल गया कैटरक को है ना रिटायरमेंट हो गया पहले बिल कर दिया तो 10 रुपए का डिस्काउंट दिया तो कैट्रक क्या एंट्री करेगा क्या जी? एक तो जो बिल था इसी के का। और पैसा मिला तो हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट कुछ भी डेबिट कर सकते हैं कितने रुपए हमें मिले हैं जी दस रुपया डिस्काउंट करा के नाइनटी नाइनटी रुपीज का अमाउंट आपका कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो और टेन रुपीज जो आपका रिबेट मिल गया या तो आप इसको रिबेट लिखिए या फिर आप डिस्काउंट लिखिए दोनों में से कुछ भी नाम लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रिबेट का मतलब भी डिस्काउंट होता है और डिस्काउंट का मतलब भी रिबेट होता है अरे ये तो दिव्य शाह जो है इसने सही आंसर बता दिया ये तो मुझसे भी सही पहले बता दिया और इसके पहले भी कई सारे बच्चों ने बताया है अब इन्होंने बैंक लिखा है बच्चे बैंक ठीक है बट कैश लिखोगे तब भी ठीक है यस yes. तो कैश डिस्काउंट टू बी अकाउंट ये हमने एंट्री क्या किया जी, यहाँ पे दिखाया आप देख सकते हैं कि ये एंट्री आपको यहां पे कहीं दिख रहा होगा है ना ये ये एंट्री सही कर लो ये बैंक पेबल अकाउंट नहीं एक्चुअली बैंक लिखो बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट और यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट रिबेट अकाउंट रिबेट डिस्काउंट कुछ भी लिख सकते हो बाकी ठीक है पांचवा पॉइंट ये तो जब क्वेश्चन आ जाता है तो अक्सर आपका दिमाग घूम जाता है पांचवा क्वेश्चन वो क्या है मैं आपको बता दूं पांचवा क्वेश्चन कैटरिक एक्सेप्टेंस टू पटेल फिर से हमने क्या किया आप मुझसे पहले करके दिखाओ ना मुझसे पहले या पहले मैं सोच रहा हूं कि मैं मैं थोड़ा सा शांति हो जाऊं चलो आप चलो आप मैं आप सबका आंसर देखूंगा ये जो आपका फोर्थ पॉइंट है फोर्थ पॉइंट का क्या आंसर निकल के आएगा मैं आप सबका आंसर देखूंगा फोर्थ पॉइंट का मोहित पांडे बीपी टू बीआर प्रिय गुप्ता प्रीति गुप्ता बीपी टू बिहार शुभम भी बीपी टू बिहार ज्योति भी बीपी अकाउंट डेबिटेड टू लिखना बोल गया आगे चलो मैं भी देखता हूँ इस सभी बच्चों का वही कैसे आ सकता बदमाश ये बात देखता हूं मैं कहता है कैटरक एक्सेप्ट फाइव थाउजेंड एक कैटरक है और एक है यहाँ पे क्या जी पटेल एक है यहां पे पटेल ठीक है ना कैटरिक एक्सेप्टेंस टू पटेल अच्छा इसका क्या है बीपी है इसका क्या है बी आर है, है ना इसने एक्सेप्टेंस दिया है पटेल को तो इस बीपी को डिस्चार्ज किया बाय पटेल डिस्चार्ज गलत क्वेश्चन है कैटरिक एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर फाइव थाउजेंड डिस्चार्ज बाय है यहाँ पे पटेल नहीं है मेरे बच्चे डिस्चार्ज है ये कार्ड लेंगे आप एक ही होगा ये डिस्चार्ज बाय गिविंग मोदी एक्सेप्टेंस टू कैटरक अच्छा एक मोदी है मोदी हमारे पीएम नहीं मोदी आपका दूसरा कोई होगा इनका भी एक्सेप्टेंस क्या जी इनके पास पड़ा हुआ है यानी कि इन वो क्या हो गया बीआर हो गया तो कहता है कि इस बीपी का जो पेमेंट है उस बीआर से हमने कर दिया है ना वही कह रहा ना आपको यहाँ पे गलत है वो सही कर लेंगे आप लोग तो हमने क्या करना जी कि ये भी खत्म हो गया ये भी खत्म हो गया तो बीपी खत्म हो गया बीपी को डेबिट कर दो बीआर खत्म हो गया बीआर को डेबिट कर दो और आंसर ये, ये हो गया अरे कहीं आप लोगों ने मेरे इसमें आंसर देख के तो जवाब नहीं दिया आप लोगों ने अरे कहीं आप लोगों ने आंसर देख के तो जवाब नहीं दिया अब की बात अब की बार सी ए सी में पार तो अभी तो सीमे वाली क्लास इनको सीमे पार लिखना चाहिए था जितने भी यहाँ पे फैकल्टीज है ना जितने भी है मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं दावे के साथ इन सबकी फोटो जो है ना कम से कम आज से 20 साल पहले की है ये सब बुढे हो गए हैं, जितने भी फैकल्टी यहाँ देख रहो सब बुढे हो गए सब बुड्ढे हो गए सबके बाल पक गए सबके सब मोटे हो चुके हैं पता नहीं क्या क्या सब बुड्ढे हो चुके हैं तो ये ये इनमें मैं सबको आज फोन करता हूँ और मुझे लगता है कि ये सभी जितने भी हैं सबके फोटो बीस बीस साल पच्चीस पच्चीस साल पहले के हैं मान ही नहीं सकता मेरा ही फोटो आज से पांच साल पहले का है तो कहने का मतलब है कि जब आप कुछ चीज यहाँ देखते हो ना स्क्रीन पे और आप जो फोटो देखते हो ये मतलब समझना कि वो उतने जवान होंगे जब पढ़ाने के लिए आपको आएंगे तो ठीक है खैरि में ठीक है कोई बात नहीं इनको भी जवान दीजिए फोटो में मैं कहा था मैं अपने मुद्दे पे आता हूं वो कहा चला गया अरे नोट्स मेरा कहा चला गया जी इन ये सब गुस्सा हो गया क्या मुझसे मैंने ऐसा बोला तो शिवम नोट्स नहीं दिख रहा जी अच्छा ये ऊपर में सॉरी ठीक है ठीक है इन्होंने नीचे भी लगा दिया ऊपर भी लगा दिया उनका नाम फोटो ठीक है ठीक है ठीक है मैं नीचे दिख रहा था ठीक है ठीक है शिवम दिख गया मुझे तो फिर बच्चे ये भी क्वेश्चन मैं कराया आपको ये सारी बातें मैंने समझाई क्वेश्चन नंबर वन करा दिया मैंने क्वेश्चन नंबर टू से प्रैक्टिस करा दिया क्वेश्चन नंबर थ्री ये जो है ये आप खुद कर जाएंगे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है बहुत सिंपल है वैसा ही ये क्वेश्चन ये अच्छा था तो मैंने रख दिया यहाँ पे ताकि मेरे बच्चे जब रिवीजन करेंगे तो इससे रिवीजन कर लेंगे एक बार है ना ये ये क्वेश्चन भी आप कर जाएंगे सारे बच्चे कर जाएंगे मैंने इसका सोल्यूशन आपको दे दिया है लेकिन जरूर जरूर जरूर, जरूर आप कर जाएंगे नहीं अक्षय मिश्रा जी मेरा भी फोटो पांच साल पुराना है मेरा भी पांच साल पुराना है अब आइए इसके बाद अब हम आगे कहां पे जी अपना म्यूचुअल म्यूचुअल ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से आपको रेगुलर क्लास में अगर आप मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं तो मैंने बड़े ही रेगुलर क्लास में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है और मुझे विश्वास है कि आपने उसको अच्छे तरीके से पढ़ा है रिवाइज किया है और आज मैंने कोशिश कर रहा हूँ मेरे बच्चे कि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना बच्चे वो भी इस क्लास को देख के उनको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और समझने के बाद वो बुक के किसी भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं तो मैं वो कर रहा हूं ठीक है नहीं तन्मय मैं नहीं करता बदमाश मैं क्रिकेट खेलता हूं मैं नहीं करता आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पहले तो याद कीजिए म्यूचुअल का मतलब क्या था आपका गुड अंजलि म्यूचुअल अकोमोडेशन का मतलब होता है कि आप क्या करते हो कि यहाँ पे एक दूसरे के हेल्प करने के लिए किसी एक का ही या दोनों का हेल्प करने के लिए हम क्या करते हैं बिल लिखते हैं और वो बिल आपका जो लिखा जाता है वो हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं कि यार मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है तो मैंने आप पे एक बिल लिखा आपने साइन करके दे दिया बिल मैंने डिस्काउंट कराया डिस्काउंट करके अपना काम कर लिया ड्यू डेट आने के पहले वो पैसा मैं आपको भेज देता हूँ आप बिल का पेमेंट कर देते हो तो बैंक भी कुछ कमा लिया डिस्काउंट वो भी खुश हो गया मैं भी खुश हो गया वो भी खुश हो गया, खुश हो गया सारे लोग खुश हो जाते हैं हम उसको बोलते हैं आपका क्या जी यहाँ पे म्यूचुअल एकमोडेशन आपका ठीक है ना तो म्यूचुअल एकोमोडेशन में यही ये आपका सीएमए इंटर ग्रुप वन में फाउंडेशन में अगर आपको याद है तो फाउंडेशन में म्यूचुअल एकोमोडेशन टॉपिक नहीं होता है

एक है एक दूसरा वाई ये काम ना मैं रफ में एक्चुअली करता हूँ एग्जाम में रफ में काम करता हूँ ताकि मेरा माइंड बिल्कुल यहाँ पे शार्प रहे तो एक सन वाई दो पार्टी है एक ने बिल ड्रॉ किया सिक्सटी थाउजेंड का विच वाज ड्यूली एक्सेप्टेड बाई वाई यानी कि बिल यहाँ पे एक बिल लिखा गया है और ये बिल कितने का है जी सिक्सटी का एक बिल लिखा गया है बी आर ये कितने का सिक्सटी थाउजेंड का हमें ये जानना होता है कि जो बिल 60 का लिखा गया क्या सिर्फ रिक्वायरमेंट एक्स की है वाई की है कि दोनों की है तो वो आगे क्लियर कर रहा है कि इसमें से वन थर्ड आपने क्या किया ना कि वाई को भेज दिया वन थर्ड भेजने का मतलब कि एक्स की रिक्वायरमेंट इसमें फोर्टी थाउजेंड की रही होगी और इसका वन थर्ड यानी कि ट्वेंटी थाउजेंड की रिक्वायरमेंट यहाँ पे वाई कर रही होगी इसलिए दोनों का अमाउंट को इकट्ठा करके सिक्सटी थाउजेंड रुपीज का क्या हुआ जी एक्स पे बिल लिखा तो एक्स ने क्या क्या बिल लिखा आपका वाई ने क्या क्या होगा जी साइन क्या होगा ठीक है फिर इस बिल को क्या हुआ कि एक्स ने जाके डिस्काउंट कर लिया यही हुआ होगा ना एक्स ने क्या किया बैंक से जाके डिस्काउंट किया होगा और बिल को डिस्काउंट करके जो पैसे आए होंगे इसमें से मेरे बच्चे जो अमाउंट है वन थर्ड उसने क्या क्या होगा होगा रेमिट कर दिया होगा. रेमिटेड टू वाई, क्योंकि वाई को भी पैसे की रिक्वायरमेंट थी वन थर्ड तो यानी कि एक्स का जो सिक्सटी का अमाउंट था उसमें से वाई को उसने क्या ट्वेंटी भेज दिया फोर्टी आपके पास रह गया अब ड्यू डेट के पहले जस्ट बिफोर ड्यू डेट जस्ट बिफोर ड्यू डेट क्या हुआ होगा यहाँ पे ड्यू डेट के पहले यहाँ पे तो अब एक्स के एक्स के पास कितना पैसा रह गया फोर्टी थाउजेंड एक्स ने क्या किया होगा कि फोर्टी थाउजेंड जो उसके पास रह गया क्योंकि सिक्सटी का है ना बच्चे बिल यहाँ पे इसने बीपी कितने का साइन किया है सिक्सटी थाउजेंड का बैंक इनसे पैसा कितने मांगने आएगा सिक्सटी सिक्सटी में से वन थर्ड यानी कि ट्वेंटी थाउजेंड तो मैं इनको दे चुका हूं पहले बाकी फोर्टी थाउजेंड हमने क्या क्या होगा इनको रेमिट कर दिया होगा कि लो भैया मेरे हिस्से का पैसा भी आप रख लो और आप बैंक बिल का पेमेंट कर लो और फिर वाई ने क्या किया होगा इस बिल का यहाँ पे यह बीपी पे कर दिया होगा भी, भी पे कर दिया होगा इसी को बोलते हैं हम म्यूचुअल एकोमोडेशन एक दूसरे को हेल्प करना अब इसकी हम कैसे एंट्री करेंगे मेरे बच्चे आप ये एंट्री मेरे साथ ही यहां पे करेंगे मेरे साथ ही सारे बच्चे पेपर पेन अपने पास रखेंगे इवन तो ये क्वेश्चन आपने कल किया है परसों किया है तब भी आपको मेरे साथ करना अभी तभी अगला क्वेश्चन और मजे से समझ में आएगा एक तरफ हम क्या करेंगे एक दूसरे तरफ वाई रखेंगे हम कोशिश करेंगे कि जिसने पहली बार बिल लिखा है ना उसका नाम हम पहले लिखेंगे ताकि हम सीक्वेंस को मेंटेन कर पाए अब मैं इसी कहानी को यहां पे आपको दिखा रहा हूं पहले क्या हुआ एक्स ने बिल लिखा तो एक्स क्या बोलेगा मेरे पास एक बी आ गया कितने का सिक्सटी थाउजेंड का सिक्सटी थाउजेंड का और ये बिल का पैसा मुझे किसको देना है वाई को देना है वाई को क्योंकि वाई के पास फाइनली uh, बैंक जाएगा पैसा मांगने तो पूरे सिक्सटी मुझे वापस करने पड़ेंगे ड्यू डेट के पहले तक आपने भी लिखा आपने साइन किया होगा तो आपने क्या किया होगा जी एक को डेबिट किया होगा एक को डेबिट किया होगा एंड टू बिल्स पेबल अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट यानी कि यहाँ पे वाई ने कहा वाई ने कहा इसको इंटरप्रेट कैसे कहते हैं कि भैया मुझे सिक्सटी टोटल पेमेंट करना है जब बैंक मेरे पास आएगा पैसा मांगने उतना पैसा मुझे एक से लेना है उतना पैसा मुझे एक से लेना है ठीक है ना इसके बाद मेरे बच्चे ने क्या क्या बिल को जाके बैंक से डिस्काउंट कराया तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे डिस्काउंट अकाउंट को आप यहां पे डेबिट करेंगे डिस्काउंट अकाउंट को आप डेबिट करेंगे एंड टू आप क्या बोलेंगे जी वाई अकाउंट माफ कीजिए बिल ना टू बी आर अकाउंट है ना बिल को हम डिस्काउंट कर रहे हैं टू बी आर अकाउंट मुझे बताओ बिल हमारे पास से कितने का चला गया सिक्स का बैंक ने डिस्काउंट चार्ज कितना काटा होगा <laughs> तो बैंक ने ये थ्री मंथस का बिल है तो इंटू थ्री बाय ट्व आपका है ना एटीन रुपीज का यहाँ पे क्या हुआ डिस्काउंट कट गया तो फिफ्टी एट थाउजेंड टू हंड रुपीज हमारे पास बैंक में आ गया इसकी एंट्री यहां कुछ भी नहीं होती तीसरी एंट्री में हम क्या करेंगे ये देखिए बिल को डिस्काउंट करने के बाद वन थर्ड पैसा हम वाई को भेज देंगे तो जो पैसा हमारे पास आया था वन थर्ड हम इनको दे देंगे तो हम लोग क्या करेंगे जी ये देखिए एक्स क्या बोलेगा नजर यहाँ नजर यहाँ नजर यहाँ हमें वाई को टोटल कितना देना था सिक्सटी तो सिक्सटी में अभी वाई को मैं कितना दे रहा हूं वन थर्ड यानी कि ट्वेंटी है ना सिक्सटी का वन थर्ड हम आपका वाई को दे रहे हैं अब जो ट्वेंटी थाउजेंड में से सारा पैसा आपको थोड़ा दे दूंगा कुछ कैश दूंगा एंड कुछ वाई को डिस्काउंट बियर करना पड़ेगा क्योंकि जो यहाँ पे डिस्काउंट चार्जेस कटे हैं ना बच्चे ये जो डिस्काउंट चार्ज कटा है वो सारा डिस्काउंट एक थोड़ा बियर करेगा पैसे की रिक्वायरमेंट मुझे भी थी आपको भी तो कुछ पैसा आपको दूंगा एंड कुछ इसमें से आपको डिस्काउंट बियर करना पड़ेगा तो सुनो ना कितना कैश दूंगा आप क्या करो फिफ्टी एट थाउजेंड टू हंड्रेड का वन थर्ड निकाल लो यानी कि नाइनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज मैं कैश दूंगा और जो डिस्काउंट कटा है एटीन हंड्रेड उसका भी वन थर्ड उनके नाम पे ट्रांसफर कर दो यानी कि सिक्स हंड्रेड रुपीज का अमाउंट यानी कि जो ट्वेंटी थाउजेंड मुझे मैंने आपको दिया उसमें से इतना कैश दिया इतना आपको डिस्काउंट बेयर करना पड़ेगा ये एंट्री मेरे बच्चे वाई क्या करेगा जी वाई कैश लेगा तो कहता है कि मेरे पास कैश आया मैं कैश को डेबिट करूंगा नाइनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड डिस्काउंट भी मैं यहाँ पे क्या करूंगा जी डेबिट करूंगा डिस्काउंट मुझे डिस्काउंट करना पड़ा बहुत ध्यान से यहाँ पे मेरी बात समझना कि मेरे बच्चे नजर यहां नजर या, या दोबारा एक बार यहां देखो लिखना बंद करो एक, से, एक से वाई को टोटल कितना देना था सिक्सटी थाउजेंड है ना सिक्सटी ये टोटल इनको देगा तब जाके वाई क्या करेगा जी पेमेंट करेगा पेमेंट करेगा आपको है ना तो सिक्सटी थाउजेंड मेरे बच्चे ट्वेंटी थाउजेंड तो मैं दे चुका पहले ही है ना ट्वेंटी थाउजेंड जैसे भी डिस्काउंट किया मैंने दे दिया अब ड्यू डेट के पहले जस्ट बिफोर ड्यू डेट जस्ट बिफोर ड्यू डेट या डिडेट को ही कुछ भी लिख सकते हैं दोबारा तो अब यहाँ पे कैश भेज रहा है टू कैश अकाउंट कैश बैंक कुछ भी लिख सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं है कितना जी फोर्टी और याद रखना जो फोर्टी अब बाद वाला भेजा जाएगा उसमें डिस्काउंट कुछ भी नहीं पूरा भेजना होगा क्योंकि डिस्काउंट आपका है

उस बिल के कब अगर पेमेंट होता है तो हमारा कोई मतलब नहीं बनता मतलब नहीं। मतलब समझा दिया एक बार अच्छा तीन चार केसेज यहां तक आने में तीन चार केसेज मैंने कराया था आपको याद होगा मैंने बड़े अच्छे अच्छी कहानी सुना सुना के आपको कोई बातें बताई थी तो ये हमारा म्यूचुअल अकोमोडेशन होता है दूसरे को हेल्प करने के लिए हम भी लिखते हैं और वो काम पूरा करते हैं इसके बाद मेरे बच्चे इसके बाद पता ये पता जो अच्छे से ड्रॉ कर लिया ना ये कहानी वही काम क्वेश्चन का वह माना जाता है मेरे बच्चे और इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर पता क्या करता है टिपिकल क्वेश्चन बनाना होता है म्यूचुअल पे तो ये क्वेश्चन बनाता है ये वो क्वेश्चन है जहां पे एग्जामिनर आपको एट मार्क्स से लेकर ट मार्क्स तक आठ से बारह नंबर का क्वेश्चन बन सकता है है ना कुछ भी वैरी करेगा तो वो आपसे पूछ सकता है इस बात को ध्यान रखेंगे आइए ना एक बार हम यहाँ समझते हैं म्यूचुअल एक बार पूरी चीज को हम कहानी के रूप में समझेंगे और फिर उसको एंट्री के रूप में दिखाएंगे ठीक है सुनिए मेरी बात ये देखिए आप मैं आपको पूरी कहानी पहले बताऊंगा मुझे कुछ भी नहीं सुनना बस कहानी देखना है एक कहानी है आपके लिए और कुछ भी नहीं कहता है कि बोस एंड मित्रा वेरी नीड ऑफ फंड्स दो लोग हैं बोस एंड मित्रा दोनों को पैसे की रिक्वायरमेंट है हाँ। तो एक बोस एंड मित्रा दोनों को पैसे की रिक्वायरमेंट है कहता है कि फर्स्ट में को बोस एक्सेप्टेड मित्रा ड्राफ्ट मैं हमेशा पहले नाम किसका लिखता हूं जिसने बिल लिखा है यानी कि मित्रा का ये मित्रा हुआ और यहां पे आ गया बोस अब मैं कहानी बनाऊंगा मैं कहानी जिसको एंट्री में करूंगा

मित्रा ने एक बिल लिखा बिल को डिस्काउंट किया डिस्काउंट करते ही जरा बताओ कितना वन थर्ड वन थर्ड उसने रेमिट कर दिया होगा रेमिटेड रेमिटेड टू टू किसको जी बोस बोस को रेमिट कर दिया होगा बोस इसका मतलब मेरे बच्चे जो सिक्स थाउजेंड रुपीज का बिल लिखा गया था तो मित्रा टोटल बोस को कितना देगा छह हजार रुपए

कि मित्रा वाज नॉट एबल टू सेंड द अमाउंट ओहो मित्रा के पास ये थाउजेंड है ही नहीं इसलिए वो नहीं भेज पाया और जिसके चलते कहता है कि यार अब क्या होगा क्योंकि बैंक का पैसा मांगने आने वाला है तो इन स्टेड ही एक्सेप्टेड बोस बिल फॉर फोर्टी फाइव मिनट फिर बच्चे फोर थाउजेंड का जो अमाउंट इनको देना था वो पैसा आपने नहीं भेजा इसके चलते क्या हुआ अब क्योंकि पेमेंट करना है तो अब बोस ने क्या क्या एक न्यू बिल लिखा न्यू बिल ड्रोन न्यू बिल ड्रोन फोर फोर्टी फाइव हंड्रेड क्यों लिखा गया क्योंकि पैसे चाहिए इस बिल का पेमेंट मांगने अब आने वाला है तो नया बिल क्या ड्रॉ किया और नया बिल ड्रॉ करने के बाद उसके बाद क्या हुआ इसने जाके उसको डिस्काउंट कर लिया है बोस गॉट इट डिस्काउंटेड फॉर फोर फोर टू जीरो इसने क्या किया डिस्काउंट इस किया डिस्काउंट करने के बाद बताओ और क्या क्या होगा इसने इसने क्या क्या होगा बच्चे की जो ओल्ड बिल है ना ओल्ड बिल ओल्ड बिल उसका उसने क्या क्या होगा मेट यानी पेमेंट कर दिया होगा पेमेंट क्योंकि अब वही तो हुआ, में, दो कराया, उसको जाकर डिस्काउंट कराया और पहले बिल का यानी कि ओल्ड बिल का यहाँ पे मेट कर दिया पेमेंट कर दिया आपका ओल्ड बिल मेट हो गया ओल्ड बिल मेट होने के बाद प्लस अभी और देखो क्या बता रहा है कि बोस गॉट इट डिस्काउंटेड फॉर फोर फोर टू जीरो आउट ऑफ दिस 280 हमने क्या-क्या मित्रा को भेजा भी है यानी कि एक तो ऑल वेल मेट हुआ और आपका रुपीस 280 280 कैश नो डाउट की प्लस कुछ डिस्काउंट भी वो हो, कितना होगा देखेंगे डिस्काउंट रेमिटेड टू रेमिटेड टू किसको हमने भेज दिया आपका आ, मित्रा को मित्रा को हमने क्या-क्या भेज दिया आपका अमाउंट आपका मित्रा को भेज दिया तो अब मित्रा के पास टोटल अमाउंट कितना हो गया एक तो ये प्लस इतना अमाउंट और आ गया खैर जो नया बिल लिखा है नया बिल आपका जो लिखा हुआ है न्यू बिल अब इसका पेमेंट किसको करना था इनको लेकिन हुआ क्या बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द रिन्यूड बिल मित्रा बिकेम इंस्टॉलमेंट ओहो जिस बिल का इनको पेमेंट करना था वो पेमेंट नहीं कर पाए पेमेंट ना करने पाने का मतलब क्या जी कि सेकेंड बिल सेकेंड बिल यहाँ पे क्या हो गया डिसऑनर्ड हो गया

और इतने लेवल का टिपिकल का क्वेश्चन कुछ भी टिपिकल नहीं है बस उसको कहानी बना दो कहानी क्या है कुछ इस तरीके का मित्रा ने बिल लिखा सिक्स थाउजेंड काउजेंड की रिक्वायरमेंट थी इस बिल को आपने डिस्काउंट कराया डिस्काउंट करके वन थर्ड अमाउंट आपने इनको दे दिया ड्यू दिय। डेट दिय। पे बाकी फोर थाउजेंड का अमाउंट आपको भेजना था आप नहीं भेज पाए इसलिए बोस ने नया बिल लिखा इस बिल को उन्होंने डिस्काउंट कराया और जो फर्स्ट बिल था उसका क्या हुआ फर्स्ट बिल आपका क्योंकि पैंतालीस सौ रुपए का बिल है कुछ ज्यादा अमाउंट है तो इसमें से टू एटी कैश आपने क्या क्या इनको भेज दिया क्योंकि कुछ आपस में सेटलमेंट हुआ होगा अब जो ये नया बिल लिखा गया बच्चे पैंतालीस का उसका पेमेंट आपने करना था बट आपने क्या क्या वो पेमेंट नहीं किया आपने क्या किया वो पेमेंट नहीं किया इसलिए क्या हुआ कि सेकंड बिल यहाँ पे डिसोनर्ड हो गया की एंट्री करेंगे और फिर लास्ट में सेटलमेंट जिसका हम एंट्री देख लेंगे इन्हीं बातों को मेरे बच्चे अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो मैं आपको एंट्री के रूप में दिखाता हूँ ये देखिए आप यहाँ पे ये देखिए है ना जो बच्चे म्यूचुअल अकोमोडेशन नहीं पढ़े मुझसे या फिर आपने नहीं पढ़ा बच्चे आपको कंफ्यूजन है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी लेकिन बिलीव कीजिए मैंने अपने रेगुलर क्लासेस में बहुत स्मार्ट तरीके से बहुत ही कूल cool तरीके से अपने बच्चों को ये समझाया है वो कहीं आपने क्या -क्या उस बिल को कर दिया हमने जाके उस बिल को क्या क्या डिस्काउंट कराया बिल को डिस्काउंट कराया आपके बुक में कोई एंट्री नहीं फिर आपने क्या किया वन थर्ड प्रोसीड हमने क्या किया रिमिंड कर दिया तो जब वन थर्ड दूंगा तो बोस जो हमारा था हम उसको वन थर्ड अमाउंट वापस कर रहे हैं तो हमने बोस को डेबिट कर दिया सिक्स का वन थर्ड टू थाउजेंड जो कैश आया था उसका वन थर्ड यहाँ पे जो डिस्काउंट आया उसका वन थर्ड यहां पे क्योंकि आपको दोनों को बेयर करना होगा हमने पैसा दिया आपने पैसा उतना रिसीव कर लिया बोस ने कहा कि ठीक है मित्रा जो सिक्स थाउजेंड आपसे लेना था उसमें टू थाउजेंड हमने ले लिया है आपको यानी कि मित्रा अभी और आपको हमें कितना देना है फोर थाउजेंड का अमाउंट देना है फोर थाउजेंड का अमाउंट ड्यू डेट पे लेकिन क्या ड्यू पे मित्रा 4000 फोर थाउजेंड दे पाया नहीं दे पाया

ये पेमेंट कर दिया पहला बिल हमने यहाँ पे मिट कर दिया ध्यान रखना अभी मित्रा ने 4000 उनको देना था मेरे बच्चे उन्होंने दिया नहीं है बट पहले बिल का पेमेंट हो चुका है ठीक है अब क्या हुआ कि इसके बाद अब बोस ने 280 कैश इनको भेजा है है ना बोला था ना कि आपका सेकंड बिल से भी 280 कैश भेजा तो 280 कैश अब ये डिस्काउंट आपको निकालना है कि डिस्काउंट कैसे निकल के आएगा क्योंकि जब आपका ये फोर्टी फाइव रुपीज का मेरे बच्चे जो बिल आपका डिस्काउंट कराया गया जो एटी रुपीज का डिस्काउंट कटा है इस डिस्काउंट में कुछ आपको पैसा भेज रहे ना बहुत सारे पैसे मित्रा के लिए यूज किए गए है तो डिस्काउंट कैसे में याद कीजिए हमने क्या सीखा था ये कैसे निकल के आएगा नजर नजर नजरिया ये कैसे निकल के आता है जरा बताओ कि सेकेंड बिल को डिस्काउंट करके हमें पैसे कितने मिले थे फोर फोर टू जीरो तो बच्चे आप कहना ना कि एट्टी रुपीज का जो डिस्काउंट कटा था जब हमारे पास पैसे कितने आए थे फोर फोर टू जीरो अब आउट ऑफ फोर फोर टू जीरो कितना पैसा कितना पैसा या तो हमने मित्रा को दे दिया या मित्रा के लिए यूज किया तो मित्रा ने फोर थाउजेंड देना था मेरे बच्चे उसने नहीं दिया यानी कि एक तो वो फोर थाउजेंड रुपीज का डिस्काउंट आपको बेयर करना होगा और प्लस अभी हम कैश आपको कितना दे रहे हैं टू एटी आपका टू एटी का तो सुनिए सेकेंड बिल को डिस्काउंट करके हमारे पास कितने रुपए आए थे कितने डिस्काउंट कटे थे वो लीजिए उस बिल को डिस्काउंट करके पैसे कितने हैं पूरे बिल का अमाउंट नहीं पैसा क्योंकि जितना पैसा आया उसी में से जो पैसा यूज किया गया मित्रा के लिए वो देखा जाएगा

फोर थाउजेंड रुपीज पहले वाला और अब कितना 3. 57. 3. 57. इतना पैसा आ चुका है यानी कि फोर थ्री फाइव सेवन दोबारा है जो जनरली बच्चे भूल जाते हैं कि भैया अगर कोई पूछने की इस एंट्री के बाद बताओ इस एंट्री के बाद कि ये जो मित्रा और बोस है मित्रा अब इनको टोटल कितना देगा तो आप कहना कि यार फर्स्ट बिल का फोर थाउजेंड बकाया है, तो वो अभी आप देंगे कहा दिया आपने

तो ये क्या हुआ बिल आपका डिसॉन्ड हो गया और डिसॉनर होने के चलते क्या हुआ जी इनको भी इनको पे करना पड़ा यानी कि मित्रा अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट बिल को डिसॉन्ड करने की एंट्री बिल डिसॉन्ड हो गया बिल डिसॉन्ड का मतलब कि इनको पे करना पड़ा अब मुझे बताओ कि अब रिश्ते खत्म होते हैं ना बच्चे और बॉस क्या करेगा इनसे पैसा मांगेगा कितना पैसा मांगेगा जितना पैसा मित्रा के पास पड़ा हुआ है कितना पैसा मित्रा के पास पड़ा हुआ है तो वो आपका ये already यहां पे। ये पे, बहुत सिंपल तरीका है निकालने का ये आपका 4, 3, 5, हमेशा मैंने आपको दो तरीका बताया है इसको दो तरीका या तो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो क्या कीजिए जी आप सिंपली यहाँ पे बोस के बुक में वर्किंग नोट्स में मित्रा का अकाउंट बना लो

कितना परसेंट था सिक्सटी परसेंट तो इसका सिक्सटी परसेंट हमें मिल गया आप ये वही सिक्सटी परसेंट है इसका आपका जो नहीं मिला हमने क्या किया जी आपका बैडिट्स हो गया हमारा फोर्टी परसेंट बैडिट्स हो गया और ये बदमाश क्या करेगा बोस के नाम को हटाएगा जितना पैसा दे दिया ठीक है जो नहीं गया वो इसके डेफिशियउ में ट्रांसफर हो गया सेम अमाउंट से एंट्री होती है काम आपका पूरा खत्म हो जाता है ठीक है ना बच्चों ये सब किया है ना अगर आपने अगर म्यूचुअल का ये सब बात भूल गए होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में पता क्या होगा ये एमसी में भी क्वेश्चन आ सकता है आप बिलीव कीजिए एमसी में इतना बड़ा क्वेश्चन आ सकता है और ये क्वेश्चन इतना बड़ा देख के सिर्फ यही पूछ देगा कि जरा बताओ जी वो पता क्या पूछ देगा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ गया और कह दिया सिर्फ ये बताओ कि प्रोपोर्शनेट वो कह देगा कि जरा बताओ प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट डिस्काउंट बोर्न बाय बोर्न बाय मित्रा बोर्न बाय मित्रा इन सेकंड बिल कितना होगा वो इतना भी आपसे बोल सकता है और ये आ गया एक नंबर का दो नंबर का तो यहां पे आप थोड़े आप पूरी एंट्री करने जाओगे एक नंबर के क्वेश्चन में या दो नंबर के क्वेश्चन में या फिर आप अकाउंट थोड़े बनाने जाओगे फटाफट क्या करोगे आप देखो कैसे करना

तो पहले बिल वाला थाउजेंड जो आपने दिया था नहीं दिया जी तो हमने उसका पेमेंट किया होगा इस बिल से और प्लस अभी अभी हमने कैश कितना दिया आपको टू एटी ये निकालो कितना आ गया 77 ये क्वेश्चन आएगा तो कम से कम बच्चे दो या तीन नंबर का आएगा और फटाफट आप एक पंद्रह से बीस सेकंड या तीस सेकंड में कर जाएंगे बाकी बच्चे पता नहीं क्या क्या करते रह जाएंगे ठीक है ना तो ये काम हमने यहाँ पे आपको बता दिया ये, सारी दी। ओहो, ये क्या ये ये तो चैप्टर ही खत्म हो गया और फिर से ये सारे फैकल्टी जो है सारे फैकल्टी यहाँ पे आ गए हैं अपने नए नए दस साल बीस साल पच्चीस तीस, तीस तीस साल पहले फोटो वाले और काम पूरे हो गए ठीक है ना तो मेरे प्यारे बच्चों आज आज हमने क्या किया हमने अपना सेकंड चैप्टर आपका खत्म किया और जिसका नाम है आपका क्या नाम था बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्स ऑफ एक्सचेंज मुझे विश्वास है इस चैप्टर को आपने अच्छे से समझा होगा और जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो बच्चे इस वीडियो को लाइक कर देंगे और मैं कल इस वीडियो को देखूंगा कि कितने लाइक्स आए हैं अगर नहीं लाइक्स आए होंगे पूरे वन थाउजेंड तो मेरे बच्चे बहुत 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 दिक्कत होगी आप सबको मुझे नहीं याद रखना इस बात को तो जितने भी बच्चे आपके दोस्त हैं आपके फ्रेंड्स हैं आपके मम्मी पापा भाई बहन सबको बोल देना कि कि सर ने बोला कि वीडियो को लाइक करने के लिए ठीक है अपडेट सर सर निखिल सर तो अभी यंग यंग है है कोई यंग नहीं बदमाश ये सभी को मैं जानता हूं इन पूछना कि संतोष सर को जानते हो वो सब बताएंगे आपको और सबकी फोटो जो है वो मैं जानता हूँ कितने साल पुरानी है खैर आइए अगली क्लास में मेरे बच्चे हम लोग क्या करेंगे अपना थर्ड चैप्टर को आपका कराएंगे और कंसाइनमेंट अकाउंट इसी तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस एक एक कॉन्सेप्ट को मैं लेके चलूंगा और कुछ चीजें बताऊंगा और एग्जाम की तरह जल्द आपका आई थिंक हो सकता है कि इसी वीडियो के description में परसों वाली जो क्लास होगी टेन थर्टी से सेम टाइम पे आपका उसका उन्होंने नोटिफिकेशन डाल दिया होगा और डाल दिया होगा डिस्क्रिप्शन में तो आप उसको अभी से ही ऑन कर लेंगे क्योंकि परसों हमें क्या करना है आपको बताना है आदित्य झा कहते सर एमसीक्यू सी नहीं पूछा पूछ तो लिया बदमाश इतने सारे एमसीक्यू सी हाँ अब आप मास्टर हो चुके हैं इसमें कुछ पूछने के लिए है नहीं आप एक एक कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन सोल्व करके आएंगे मुझे विश्वास है आपका ये देखो वो रिमाइंडर आ गया है कंसाइनमेंट अकाउंट का आपके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे चैट बॉक्स में भी दिख रहा होगा उसको क्लिक करके अपने आप को नोटिफाई करेंगे और जरूर जरूर जरूर, जरूर आप ज्वाइन करेंगे क्योंकि लाइव जब आप रहते हो तो फिर ना हमें भी थोड़ा मजा आता है इंटरेक्शन करने में ठीक है पार्थ बार, बार चॉकलेट क्यों मांगता है गलत गलत बात होती है चॉकलेट नहीं मांगना चाहिए आज सर का सेशन है जी कोई बच्चा किसी को पता तो मुझे बताया थ्री थर्टी में भावना नहीं बचे पांच छह चैप्टर में आपको लाइव कराऊंगा बाकी मैराथन आपका इसी वीक में जो चैप्टर में लाइव नहीं कराऊंगा उनका मैराथन आपका इसी वीक में लॉन्च हो रहा है मैंने रिकॉर्डिंग कर ली आप चिंता नहीं करें आज हाँ आज आ, अरे विनीत सर का जो सेशन है उसका आप लोग रिमाइंडर सेट कर लीजिए अपना आज उनका सेशन कितने बजे होने वाला आई थिंक थ्री थर्टी पे आ, ये देखो आ गया विनीत सर का सेशन का रिमाइंडर आपका आज है थ्री थर्टी पे थ्री थर्टी शायद तो आप उसको जरूर ज्वाइन करेंगे वो बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं तो मेरे बच्चे आज के सेशन को मैं एंड करता हूँ यस एंड ज्योति मिलते हैं बच्चे अगली क्लास में हम लोग अगले सेशन में इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए आप सबको बै बै टाटा अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए अच्छी पढ़ाई कीजिए और बहुत 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 मार्क्स अच्छे लाने की कोशिश कीजिए आप सबको बहुत 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 सारा प्यार थैंक यू थैंक यू बच्चों